नमस्कार सभी को। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर हरि हूँ, बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा नंबर है 9927537780। आज की संगोष्ठी का प्रारंभ सड़क वंदना से करते हैं। यदा मत्स्यावतरेण वेदोद्धृता तदा शेषाय तत्रैव वेदा सागम अवात्मा यतश्रेयवायातु कयात्रिसूचितमण्डले सवात्चरकाचार्यो देवाचार्यो यथादिवो सहस्रवदंश्याशोऽयं वंशो रुजाकृता पातांजलमहाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्याय दोषाणाम अहित्रियः पते नमः। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुल्म की त्रिदोष गुल्म की संप्राप्ति में जो सन्निपातक गुल्म होते हैं उनकी संप्राप्ति में कल कुछ छूट गया था और उसमें थोड़े से रोग ऐसे हैं जिनको बताना आवश्यक है और आज उन्हीं पर जो है पूरा देखेंगे कि हम किस किस रोग को जो है त्रिदोष गुल्म की संप्राप्ति में हम उसको ले जा ले मतलब कर सकते हैं और उनकी चिकित्साएं हम करते हैं। क्योंकि आचार्यों ने कुछ ऐसे रोग हमारे चरक संहिता में वर्णन कर दिया है उनका जिनका हम केवल उस जो हमारा जैसे मैंने कहा ना कि उसका जो संबंध है किसी भी डिजीज जैसे कि पित्तस्य है का संबंध सीधे श्वेतपित्र से है या कहीं पर अगर शरीर के अंदर जो है वो अम्लपित्त की संप्राप्ति बन रही है तो सीधा उसका संबंध कई डिजीजों से एक साथ हो जाता है। मूल में हम सब अम्लपित्त की संप्राप्ति होती है चिकित्सा उसी की करते हैं तब ठीक हो जाता है मरीज। ऐसे ही कुछ ऐसे रोग हैं और हैं जो लिखा कुछ है और उसका संबंध कहीं पर और दूसरे पर आचार्य ने बता दिया है कि यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। वही जानने के लिए वही क्लिनिकल वही तर्क वितर्क वही चीज सोचना हमारे लिए आज के उसमें परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी क्योंकि जो स्प्लेनोमेगली होती है उसको भी हम पढ़ते हैं वो उधर चिकित्सा में है लेकिन उसका संबंध क्योंकि गुल्म के बाद उधर चिकित्सा लिखी गई है। ऐसे कई रोग हैं मैं आपको एक फिर से बताऊंगा। तो जहां कल खत्म किया था वहां उसका आगे का भाग यानी कि उसका कल वाले का जो हमारा टेक्निकल भाषा में बात करेंगे तो अच्छा है ठीक है।
कल जहां से हमने, क्योंकि पहले हमेशा विभाग होता है उसके बाद फिर संयोग होता है, तो अब यहां पर पहले हम विभाग करेंगे उसके बाद संयोग करेंगे। तो विभाग था, विभाग जहां पर संयोग था, संयोग पे खत्म हुआ था, अब वहीं से हमको विभाग शुरू करना है। वहां से विभाग शुरू होगा और संयोग फिर शुरू हो जाए। थोड़ा सा समझने की मतलब समझे, जब एक समय में कहीं पर विभाग होता है उसी समय उसका संयोग होता है। यहां से विभाग खत्म हुआ है तो फिर संयोग शुरू हुआ है, और जहां पर कल खत्म हुआ था वहां संयोग का एक आखिरी क्षण था, और आज उसके विभाग का आखिरी क्षण है, संयोग का आखिरी क्षण प्रारंभ हुआ। सुश्रुत के टीकाकार डढ़न ने अपनी टीका में तंत्रातर मतलब तंत्र पे तंत्र यानी कि वचन उद्धृत किया, और कर उन्होंने बताया कि जो निश्चयात्मक गुल्म की जो दो प्रकार हमने विशेष बताए हैं उनमें एक लसिका रक्त तथा पुरुष की दुष्टि से उत्पन्न होता है। आप इसको लिख भी सकते हैं, ये उदर के दक्षिण पार्श्व से स्थित होता है और इस पर शिराजाल व्याप्त होता है, और इसकी किनारी पर्यंत कच्छप कछुए के सदृश रक्तवर्ण एवं दहा राग रक्तिमा तथा ज्वर ये सर्वदैहिक लक्षण होते हैं और ये असाध। बताएं कौन सी चीज, और ये निश्चय मतलब कहना चाहिए निश्चय आत्मक मतलब एक ही जगह स्थिर होता है। ऑर्थराइटिस यहां पर शिराजाल व्याप्त होता है, उसकी किनारी कच्छप के सदृश रक्तवर्ण एवं दहा राग यानी कि रक्तमा तथा ज्वर ये सर्वदैहिक लक्षण हमको मिलते हैं। उधर में कौन सा रोग होता है, दक्षिण पार्श्व में। दक्षिण पार्श्व का मतलब क्या है, स्प्लीनोमेगेली सर, यस लसिका रक्त, और तीसरा क्या था हमारा, पुरीश। लसिका रक्त और पुरीष। तो ये स्प्लीनोमेगेली होएगी सर। हाँ, इसे हम क्या बोलते हैं ना कि क्रॉनिक स्प्लीनोमेगेली मतलब जो हृदय से और लिवर से संबंधित होकर, इन्होंने स्वतंत्र रोग बताया, इसमें केवल स्प्लीनोमेगेली होगी, हेपेटोमेगेली नहीं नहीं होगी, होगी होगी, प्लीहोदर, ये ध्यान रखना। प्लीहोदर, ठीक हाँ, है, प्लीहोदर। हाँ एक हो गया। अब आप जी, इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या होता है, और गुल्म है तो गुल्म इसमें लसिका रक्त तथा पुरीष इसकी दुष्टि उत्पन्न होती है, उदर के दक्षिणी पार्श्व से स्थित होता है और इस पर शिराजाल व्याप्त होता है, और इसकी किनारी कच्छप मतलब कछुए के सदृश रक्तवर्ण दाग राग रक्तमा और ज्वर यानी कि सर्वदैहिक ज्वर जो है इसमें, ये जितने भी लक्षण होते हैं ये सर्वदैहिक दिखाई पड़ते हैं और ये असाध्य। निश्चय गुल्म के द्वितीय भेद की ये उपस्तंभ ये संज्ञा दी गई है, और ये संज्ञा हमारे महर्षि सुश्रुत ने अपनी टीका में कही है, और इसका विवरण करते हुए कहा कि जिस प्रकार दुग्ध में अम्ल का प्रयोग किया जाए तो वह दही रूप रक्त को प्राप्त हो जाता है, पृथक पृथक गुल्म के उपचार में पुरुष यत्नहीन रहे तो वह उपस्थब्ध शरीर में स्थायी रूप से निवास को प्राप्त हो जाता है, और इसका स्थान पोस्ट होता है, और दोनों उदक स्रोतों में स्तंभ को प्राप्त अकुंचन और प्रसारण रहित अन्य प्रकार की विकृति, यानी कि स्तंभ का मतलब क्या होता है, स्तंभ का मतलब मैं समझा दिया है कि जहां पर कोई चीज, स्तंभ का मतलब अब उसमें कोई भी किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा, मोटिवेशन नहीं हो रहा उसमें, कोई एक्टिवेट मतलब जो जो क्रमाकुंचन की जो पेरिस्टेलिक मूवमेंट है वो नहीं हो रही, अगर वो हो जाती है
उदग व श्रोतसों की विकृतियों को लक्ष्य में रखते हुए ये गुल्म नव मत अनुसार किसी प्रकार की ग्रंथि सिस्ट होना अधिक संभव है। अब यहां पर ये भी देख लें, ये भी हो सकता है कि किसी प्रकार की ग्रंथि या सिस्ट ये भी इसमें हो सकती है। विकृति विसंवेद गुल्म की जो पाषाण व कठोर कठिनता दारुणता बलक्षय कांश अग्निमान आदि लक्षणों का जो हम उसके समरूप आधनोपों के दावुण दारुण अवरोध कैंसर ऑफ दी मेलिग्नेंट ट्यूमर के साथ इसको स्पष्ट रूप से देखते हैं। अब यहां पर यह भी कह दिया कि अगर ऐसा कुछ है, अगर कोई सिस्ट है तो वो सिस्ट इस रूप में अगर है तो वो कहीं पर भी कोष्ठ में हो सकती है। और इसमें ये बताया कि अगर इसके अंदर पाषाण मतलब बहुत ज्यादा कठिन है, पत्थर के समान है, उसमें दारुणता है, बल क्षय हो रहा है, बल क्षय का मतलब शरीर का वजन घट रहा है, कांस मतलब शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है, अग्निमान एकदम भूख भूख कुछ नहीं लग रही है, तो जो इन लक्षणों को देखकर हम जो आधुनिकों के जो कैंसर है मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसको हम स्पष्ट रूप से इसमें देख सकते हैं और वो एक प्रकार के गुल्म में भी हम उसका समावेश आचार्यों ने कर दिया है। निदान में जो डढ़ल ने कहा कि प्रथम प्रकार आधुनिकों का जो अपेंडिसाइटिस होना संभव है और वह विधान प्रकृति समसंवेत निश्चय गुल्म पर ही घटित हुआ समझना चाहिए। अगर कहीं पर किसी को अपेंडिसाइटिस हो रही है तो उसको भी अपेंडिसाइटिस हो रही है तो उसको भी जो है वो गुल्म में समझना चाहिए और उसी की चिकित्सा उसको करनी चाहिए। द्वितीय निश्चय गुल्म कोई ग्रंथि सिस्ट होना यह भी संभव है। शेष उपयुक्त तो लक्षणों वाला विकृति विषम संवेद निश्चित गुल्म आदनों का वास्तविक रूप से किसी प्रकार का कोई कार्सिनोमा होना यह निश्चित माना गया है। इसमें दो चीजें हमारे सामने आई। सर प्लीज लास्ट वाली लाइन एक बार रिपीट कर दीजिए जो अभी लास्ट आपने बोला। हाँ, जैसे निश्चय गुल्म कहीं पड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है, वो एक ही जगह है, जी हाँ ठीक है, जी तो अगर वो विकृति विषम संवेत है उसमें ये जो लक्षण दिख रहे हैं हमारे लिए ऊपर वाले कि वो दारुण है, पाषाण दारुण हाँ वो हाँ, वाले हाँ वो बल उसको बल क्षय कर रहा है, वो बल क्षय के साथ साथ कांस मतलब शरीर में धातु बल क्षय भी करके उसको तंत्रिका की तरफ भी ले जा रहा है, ठीक वेट है, लॉस अग्निमान भी उसको हो रहा है, भूख नहीं लग रही है। तो इन सब लक्षणों को अगर स्पष्ट रूप से देख लें तो जो हमारी अपेंडिसाइटिस है उसमें भी उनको बोल दिया है कि ये प्रकृति विकृति संवेद होते हुए भी अगर इसमें ऐसे लक्षण मिलते हैं तो ये इस प्रकार के गुल्म को भी हम असाध्य मानकर उसको कैंसर के रूप में ले सकते हैं। और अगर कहीं पर कोई सिस्ट है उस किस्ट में सिस्ट में अगर ये लक्षण हमको दिख रहे हैं कठिनता दारुणता बल क्षय कांश अग्निमान तो उसको भी हम निश्चय गुल्म एवं प्रकृति विषम संवेद के रूप में लेकर हम उसको निश्चित गुल्म असाध्य असाध्य के रूप में मानकर उसको कैंसर भी मान मतलब उसको कैंसर ही होना घटित है ये सिद्ध आदमी के अनुसार। तो इस प्रकार अगर हम कैंसर की अपसंप्राप्ति में जाएं तो कैंसर की संप्राप्ति में फिर हम गुल्म को सबसे पहले सामने रखेंगे और ये देखेंगे कि ये गुल्म है कहाँ पर और इस गुल्म में कौन कौन सी धातुएं मतलब दोषों के साथ कौन कौन सी धातुएं इसमें जो है एक प्रकार से इसमें मतलब कहना चाहिए उसके सन्निकृष्ट भाव में है। और अगर भाव में है तो उसमें लक्षण क्या क्या मिल रहे हैं, अगर ये लक्षण मिल रहे हैं हमको तो हम बेशक हमने बायोप्सी करा ली और कराने के बाद फिर हम उसको जो चिकित्सा अगर हम करेंगे उसकी तो वो हम चिकित्सा गुल्म के आधार पर। आज शायद ये थोड़ी सी कैंसर की मैंने उसमें दी थी क्योंकि आचार्यों ने गुल्म के अंदर ही इसका बता दिया था, हालांकि हर चैप्टर के अंदर सर अवरोध की गणना की गई सर ये विदर्भ में नहीं आएगा कुछ ना, विदर्भ वहां यहाँ पर पाक है ही नहीं, यहाँ प्रणाम पर सर। लक्षण नहीं दिया है। सर प्रणाम प्रणाम। सर अपेंडिक्स आप बता रहे हैं तो ये गुल्म में आएगा और हर्निया हर्निया गुल्म में नहीं है, सर अपेंडिक्स हर्निया में तो
पाक पाक होता है ना अपेंडिक्स में, नहीं वो दोनों में चीजें कह रहा हूँ कि अगर अपेंडिसाइटिस में पाक हो रहा है तो उसको विकृति सम संवेद मानकर साथ दें, उसको ठीक करें, लेकिन जी अगर विषम विकृति विषम संवेद हो रहा है और वहां पर अगर आपको ये दिख रहा है कि अपेंडिसाइटिस में ऐसा हो गया है कि पाषाण पर कठिनता दारुणता बल छह पांच अगर ये हमको मिल रहे हैं तो आप उसे विकृति सम संवेद मानकर जो मतलब कहना चाहिए असाध गुल्म है उसकी चिकित्सा करें, अर्थात कैंसर की चिकित्सा करें, ये मतलब। और सर मेजेंट्रिक लिम्फ नोड रहता तो उसमें सर पे कैसे ये? हाँ देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं पहले ही उसमें बोले आया था कि इसमें एक लसीका एक रक्त तथा पुरीस की दुष्टि उत्पन्न होती है, ये तीन यहाँ पर होते हैं इस गुल्म के अंदर। लसीका का मतलब समझ ही होंगे लिम्फ नोड होगा, रक्त का मतलब समझ ही गए होंगे, और फिर पुरीस का मतलब ये भी समझ गए। इनको अपवाद में रख सकते हैं सर? अपवाद में नहीं, ये वहां पर तीनों चीजें होना आवश्यक होंगी, अगर अच्छा। है तो ये तीनों चीजें होंगी होंगी वहां पर, आपको लिम्फेटोपैथी मिलेगी मिलेगी, वो किसकी है? जी सर। है आपको रक्त की पिक्चर अलग मिलेगी, वो भी किसकी पिक्चर है? रक्त जी, की पिक्चर है जो हम सीबीसी वगैरह और सब कराते हैं, और बाकी जो सेलुलर लेवल पर काम करेंगे उस सेलुलर लेवल पर आपको ये भी दिख जाएगी कि वहां पर जो सेल्स हो रही हैं वो आप सभी जानते हैं, लेकिन वहां पर क्या होगा, वहां पर तीन चार ये लक्षण जो दिखेंगे विकृति विकर संवेद के, गुल्म के संवेद के जो विकृति विकर संवेद होते हैं उसमें पाषाणवत मतलब एक कठोर होगा। पाषाणवत का मतलब पाषाण जिस तरह से होता है कि हम पाषाण का मतलब यहाँ पर ये कहेंगे कि वो इरेगुलर शेप है, पत्थर होता है, पत्थर इरेगुलर शेप होता है, ठीक है, बहुत से पत्थर ऐसे होते हैं जो रेगुलर शेप के होते हैं, गोल भी होते हैं, उसमें कठिनता होगी, उसमें दारुणता होगी, उसमें बल क्षय होगा, उसमें मरीज का वजन घटे, बल क्षय का मतलब शरीर की जो इम्यूनिटी है वो घटेगी, कार्स मतलब उसका बल क्षय होगा, कार्स और अग्निवान होगा, ये जो लक्षण आपको अगर देखने को मिलते हैं तो आप जो है गुल्म को विकृति विषम संवेद मानकर उसकी चिकित्सा जो आदमियों के कैंसर आदमेंट ट्यूमर के रूप में वो करें, और ये उसको स्पष्ट देखा जा सकता है, अर्थात आपको अगर लगता है कि इसकी मैं अब मैं इसकी पेट स्कैन सीटी स्कैन इसकी बायोप्सी कराना चाहता हूं तो उन्होंने कह दिया कि इसको आप स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं कि ये है क्या। अपेंडिसाइटिस का कहा कि अपेंडिसाइटिस ये विकृति विषम संवेद भी होती है जो कैंसर रूप में भी हो जाती है और विकृति सम संवेद में होती है, लेकिन उन्होंने क्या लगा दिया इसके इसके आगे ये लगा दिया प्रायशा। प्रायशा क्या होता है? प्रायशा का मतलब ये होता है कि ये ज्यादातर विकृति सम संवेद होती है लेकिन कभी कभी ये विकृति विषम संवेद हो जाती है, ठीक है। समझ गए सब लोग? जी सर। अब चिकित्सा जब हम करते हैं और हम डिस्कशन किसी को करते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से ये अब वहां पर कहना है कुछ भी हो लेकिन है गुलमी, क्या है? कुछ भी हो लेकिन अब ये गुल्म है। अब गुल्म में हम ये कह रहे हैं कि हाँ ये विकृति विषम संवेद है, और गुल्म में हम ये भी कह रहे हैं कि ये लक्षण मिल रहे हैं, इसमें क्या है? इसे तो हमारे आचार्यों ने लिख दिया है, गढ़न ने पूरी तरह से लिखा है इसे। अब इसके जो एक और बढ़िया दे रखा है कि विकृति विषम संवेद जो मैं आपको ऊपर बोल के आया हूं, ठीक है, इसमें सब क्या होता है कि जो उदक व स्रोतस होते हैं, अर्थात जो उदक व स्रोतस होता है उसमें क्रिया कंचन जो गति होती है वो विकृति को प्राप्त हो जाती है। मैं इसका एक अलग से लेक्चर लूंगा कैंसर का, उसकी पूरी संप्रदाय, यहां तो मैंने आपको ये हल्का सा एक मतलब थोड़ा थोड़ा सा इसमें छोड़ दिया है कि इसको छोड़ के, और फिर क्योंकि उसकी एक अलग संप्राप्ति उसी के आधार पर बनाई है, इसी के आधार पर वो है। दोनों दोषों जो दोनों गुल्मों के साधारण और समान लक्षण, अब यहां से ही हमारा एक शुरू होता है कि अगर दो दोष हैं और उनके साधारण और समान लक्षण है, उसके बाद फिर रक्तज गुल्म की संप्राप्ति हम लेंगे, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, है तो 10-15 मिनट गई। आगे चलें, किसी का कोई प्रश्न हो तो सब बताएं।
अष्टांग हृदय निदान में अध्याय 11 में 47वां श्लोक है, और श्लोक में कहा है स्वदेश स्थान धामाना स्व स्व काले चा रुक करा प्राया। ये श्लोक उन्होंने दिया है, प्रायः कोष्ठ में तत् तत् दोष का जो आत्मीय स्थान कहा गया, आत्मीय स्थान का मतलब उसका अपना स्थान, जैसे कि कब का आत्मीय स्थान हमारा आमाशय है, पित्त का आत्मीय स्थान हमारा ग्रहणी, और वायु का आप जो स्थान है वो हमारा पक्वाश है, इन दोषों का जो आत्मीय स्थान है उस स्थान पर उस दोष से उसी कफ से उसी पित्त से उसी वायु से उत्पन्न गुल्म की उत्पत्ति होती है, उसी दोष से होगी अप चा बै दिवस रात्रि और भोजन के संबंध से तत्तत् दोष के प्रकोप के जो काल कहे गए हैं उस काल में उस गुल्म में वेदना हो, तो जिस दोष के प्रकोप के काल में वेदना हुई है गुल्म का आरंभक वही दोष है और ये निदान करना चाहिए। इतनी चीज समझ में आ गई? कहीं पर अगर कोई दिक्कत हो बताओ। कहा मैं फिर एक बार दोबारा से इसको अपनी सरल जो अपनी भाषा में क्लिनिकल भाषा में सरल रूप से समझा देता हूँ। आमाशय जो है वो एक प्रकार से कप का स्थान, पित्त है एक प्रकार से हमारा जो गृहिणी का स्थान है, और पक्वाशय है वो एक प्रकार से हमारा वायु का स्थान। यहाँ पर अगर दोष उसी दोष के कारण अपने ही घर के अंदर उसने गुल्म की उत्पत्ति कर दी है तो हम इसका कैसे निदान करें? तब हम मरीज से पूछेंगे कि जिस समय आप बया का मतलब हम देखेंगे कि बच्चा है तो बच्चे में कफ स्थान में ऐसा हो रहा है, दिवस में हम देख लेंगे कि कफ के काल में उसको दर्द हो रहा है, और रात्रि में देखेंगे कि रात्रि में वायु बात कफ और पित्त किस काल में इसको दर्द हो रहा है, अर्थात उन्होंने दोनों काल में बताया है कि दिन के काल में दोषों के हिसाब से देखें कि कब वेदना हो रही है, और रात्रि में भी दोषों के काल के हिसाब से देखें कब वेदना हो रही है। दूसरा कहा कि अब भोजन के संबंध में, अगर भोजन के संबंध में अगर पित्त के समय हो रहा है तो भोजन का जो समय होता है वो हमारा पित्त काल होता है, उस समय अगर हो रहा है तो इसका मतलब भोजन जब उसके अंदर जा रहा है तो जिस समय हमने भोजन लिया भोजन सबसे पहले कहाँ जाएगा? हमारा जाएगा आमाशय के अंदर। लेते ही अगर दर्द होना शुरू हुआ है तो कफज गुल्म 1.5 घंटे 1.25 घंटे के बीच में हुआ है तो पित्तज गुल्म, और अंत की अवस्था में हुआ है तो फिर वातज गुल्म के प्रकोप काल में वेदना अगर हुई हो तो वही दोष है, ये निदान करना चाहिए। और संक्षेप में वह यानी कि उसकी उम्र आदि के आरंभ में कफ प्रकोपित होता है, मध्य में पित्त प्रकोपित होता है, और अंत में वायु प्रकोपित होती है। इसलिए ऐसे ही जो हमारे दिन होता है उसके हिसाब से वात पित्त कफ, जो शाम के हिसाब से वायु पित्त कफ के जो प्रकोपक जिस समय वो उद्धृत होती है उस समय अगर उसको पेन हो रहा है उसी के आधार पर उसकी चिकित्सा और उसकी निदान करके फिर हमको चिकित्सा करनी चाहिए। स्थान और काल के इस नियम को लक्ष्य में रखें तो सूलों का जो दोष परक निदान हमको सुगम हो जाता है। अब हम जब कहेंगे कि दर्द कहाँ हो रहा है तो एक तरफ क्या होता है कि हम गुल्म की संप्राप्ति ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि पेशेंट को तो सिर्फ एक कंप्लेंट है, वो तुम्हारा गुल्म फुल्म नहीं जानता, वो ये सिर्फ शिकायत करके आता है कि मेरे को यहाँ पर दर्द हो रहा है, और उसके हिसाब से हम अपने दिमाग में दो संप्राप्ति बनाए बैठे हैं कि दर्द कहाँ हो रहा है। तो हमने पहली चीज तो जो उसके हिसाब से देखा कि गुल्म के हिसाब से देखा, तो गुल्म के हिसाब से अनुपस्य की चिकित्सा में जब चले गए तो उसके हिसाब से निश्चित कर लिया, या दबा के देखा, और दबा के देखने के बाद निश्चित किया कि यहाँ पर कोई गुल्म है या नहीं है, तब हम उसके उसके हिसाब से चले गए, लेकिन दिमाग में हमारी दूसरी भी संप्राप्ति घूम रही है, और वही चीज रोगी के उसमें घूम रही है कि मेरे को यहाँ दर्द। जो पहली वाली संप्राप्ति थी हमारे दिमाग में घूम रही है वो रोगी को नहीं पता है, अगर उसको पता है तो वो पहले जब वो जीर्ण हो जाएगा तब बताएगा कि मेरे को यहाँ पर ना जब मैं छूता हूँ तब दर्द होता है, तो इसका मतलब काल निकल गया थोड़ा सा, वो अपनी खूब ऐसी अवस्था में आ गया है, हो रहा है फेसबुक पे लाइव हो रहा है। तब जो है हम उसको ये निश्चित करते हैं।
अब दूसरी संप्राप्ति हमारे दिमाग में घूम रही है और वो मरीज के दिमाग में घूम रही है कि सर मुझे दर्द हो रहा है। तब दर्द को जब हम देखेंगे तब हमारे लिए पता चल जाएगी, इसी से इन्हीं नियमों को लागू करेंगे फिर हमको ये पता चल जाएगी कि शूल का भी यही कारण है, शूल के भी ऐसी डायग्नोसिस बनाते हैं, शूल की भी यही मतलब कहना चाहिए इसी प्रकार से डायग्नोसिस बनती है। तब माधव निदान ने कहा, और माधव निदान ने कहा कि आरुचि कृच्छ बिड मूत्र बातादि आंत्रवकु जन्म अनहा अनहास्यो उर्द बातात्वत् सर्वगुलमेषु लक्षे। सर्वगुलमों में निम्न समान लक्षण होते हैं और वो लक्षण अब आप लिख लें, क्योंकि ये अब आपको सभी गुलमों में मिलेंगे जो साधारण लक्षण है जो कैंसर के नहीं है। आरुचि मिलेगी, पुरीष मूत्र तथा अधोवायु की जो प्रवृत्ति होगी वो कृच्छता से होगी, कठिनाई से होगी और धीरे धीरे चिरकाल तक होती रहती है। आधा आधा घंटा के बाद हमने देखा है मरीजों को कि वो थोड़ा 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 इसके रूप में मल को मल परिवर्तन करने जाते हैं। दूसरा मिलेगा पेट में आत्र कुंचन, हर समय डॉक्टर गुड़ 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 होती रहती है। मल तथा वायु का अवस्थम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पित्त का इसमें कभी नहीं। और ऊर्ध्वपात ये पहला हमको देखने को मिलेगा। ऊर्ध्वपात मतलब ऊर्ध्वपात का मतलब कि जो उद्गार मिलेंगे ढां ढां करके मरीज जब वो क्या करता है डकारे लेता है। ये जो सामान्य जो लक्षण मिलेंगे ये हमको सभी प्रकार के गुलमों में मिलेंगे, अर्थात वात पित्त कफ द्वंद्वज और सन्निपातज। ठीक, वो द्वंद्वज और सन्निपातज में नहीं मिलेंगे, बल्कि सन्निपातज में जो स्टेज मिलेगी, मिलते तो वो भी हैं लेकिन हमको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास सन्निपातज अगर विषम संवेत में आता है मरीज तब भी नहीं मिलते हैं, तब मिलते हैं। और विषम संवेत में अगर आता भी है और वो साध्य भी है, उसमें कोई पेन वगैरह नहीं है, तो वो बहुत दिनों के बाद आता है, तो इसलिए हमको नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला है। हाँ वैसे मिले हैं बहुत दिन के बाद आए साहब, 6 महीने हो, 10 महीने हो गए, तब तक ये खत्म हो जाते हैं। और वो क्या खत्म होता है मतलब कहना चाहिए उद्गार वगैरह है वो आती रहती है, लेकिन ये जो उद्वात है ये बहुल में शुरू शुरू में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। और मेरे पास तो ऐसे ऐसे मरीज आते हैं कि डांट डांट करके वो भगवान मेरे पूरे उसमें जो है ऐसा हल्ला काटता है वो अकेला आदमी, इसका कोई जवाब नहीं। विभिन्न हेतुओं से आत्म में न्यूना अधिक, आत्म में न्यून या अधिक अवरोध होने पर भी अवरोध के स्थल के ऊपर आमाशय या आंतों में या आंतों का जो विस्तृत हो जाना, जिसे हम क्या बोलते हैं वो, जिसे हम क्या बोलते हैं डायलेशन ऑफ, इंटेस्टाइन्स हाँ इंटेस्टाइन, यानी कि बोवल लिख देते हैं अल्ट्रासाउंड में कि आपका जो क्या नाम है बोवल जो है वो डायलेट है। एंड गैसियस इनफॉर्म गैसियस क्या बोलते हैं उसमें क्या होता है, मटेरियल ऐसे कुछ उसमें लिख देते हैं। तो हमको वहां पर ये मिल रहा है कि हेतुओं के आधार पर हमको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। उसका गुल्म के सादृश होने पर भी उसे गुल्म नहीं कहा जा सकता, उसका अंतर्भाव बद्धोदर में इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में भी किया जाना उचित है। अगर वहां पर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है उसके अंदर, जैसे कहा ना कि आंत में अगर न्यूनाधिक रूप से जो है वो क्या हो गया है उसमें अवरोध हो गया है, हो गया है, तो वहां पर हम इसको फिर वहां पर इसको गुल्म में नहीं लेंगे, क्योंकि गुल्म में इसलिए नहीं लेंगे कि गुल्म एक जगह पर होता है और वो शारीरिक जो अपने मतलब एक जगह पर होता है
लेकिन कहीं पर आंत में रुकावट पैदा नहीं करता है, जो हमारा उसके दोषों में अवरोध पैदा करके आगे पीछे कर देता है, लेकिन जहां पर इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसे बद्दोजर में रखेंगे, जिसे इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, और उसी में उसका इलाज करना ठीक है। एक और स्थिति आती है मेगा कोलन। मैंने जब वायु के मतलब कहना चाहिए वो बताए थे शुरू शुरू में, याद करो कि वायु के जब मैंने बताया था कि वायु के जो अपने अमूर्त होती है उसको कैसे पहचाना जाता है, और उसमें वायु के जो प्रकोप होने के जो मैंने बताए थे आपको कि वायु प्रकोप कैसी होती है, तब मैंने उसमें जो है एक आपको रोग बताया था और वो इसी से संबंधित था कि अगर लघु हो जाएगी वायु तो ये मेगा मेगा कोलन को भी जो है एक प्रकार से वो कर देती है। मैं आज इसको पहले तो मैंने उसी में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसको बता दिया। आधुनिकों ने जो मेगा कोलन नाम से पक्वाशय की विकृति का उल्लेख किया है। सही कह रहे हैं, उल्लेख किया है उसमें जीर्ण प्रवाहिका आदि कारणों से पक्वाशय का मांस छह मंडल बंद कर लो, जिसकी आवाज खुली है प्लीज बंद करो, प्लीज आवाज खुली किसकी है, सोमनाथ जी की खुली लग रहा है। आधुनिकों ने मेगाकोलन नाम से पक्वाशय की स्थिति का एक विकृति का जो उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है उसमें जीर्ण प्रवाहिका आदि कारणों से पक्वाशय का, अब हमारी आयुर्वेद का है क्योंकि वहां पर क्षय की कोई स्थिति को नाम नहीं दिया गया है, आयुर्वेद में धातु क्षय नाम से दिया गया है, इसलिए हमने लिखा है कि इसमें जीर्ण प्रवाहिका आदि कारणों से जो पक्वाशय का मांस क्षय का मतलब पक्वाशय के अंदर जो मांस क्षय होता है, मंडल होता है, मांस क्षय मंडल को मस्कुलर कोट है, जिसे हम बोलते हैं मस्कुलर कोट, दुर्लभ होने से स्थूल आंत्र जो बड़ी जो स्थूल आंत्र होती है हमारी वो फूलकर गुल्म रूप में हो जाती है, और इसके नाम के पूर्व पद मैगा जो लिखा है, जो इन्होंने लिखा है मैगा कोलन, उसके नाम का आगे जो लिखा है कोलन के आगे मैगा लिखा है, तो मैगा का अर्थ विशाल और उत्तर पद कोलन का अर्थ स्थूल आंत्र। आ गया जी, समझ आ गया। किसी को अगर कुछ नहीं आया हो तो बता दे, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हम लोग करते रहते हैं। अरे खुशबू जी आई है आज, अरे नमस्कार खुशबू जी, प्रणाम सर, कहाँ कैसे खो गई तू, ये हैं? नहीं आई हमारे, हम तो यही सोचते रहते हैं खुशबू कहाँ खो गई भाई। नहीं सर, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, वो मेरे अभी मेरी पीएचडी चल रही है ना सर, तो इसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो मैं सुनती हूँ सर रेगुलर, एफबी पे तो सुनती हूँ जब भी टाइम मिलता है, बट थोड़ा हाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। आपसे अलग सर नहीं हूँ सर अरे नहीं, मैं तो ऐसा कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो खुद ही ढूंढ रहा आपके शिष्य सर। नहीं था सर, समय का थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, बट सुनती हूँ रेगुलर मैं ये आपके लेक्चर्स तो सुनती हूँ सर, जब भी टाइम थोड़ा होता है तो सुन सब लेती सब ठीक है, हूँ। बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद सर, ठीक एकदम ठीक ठीक सर। अगर इसमें किसी को कोई कहीं पर दिक्कत हो रही हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बताएं। तो सर यहाँ पे वायु का आयाम मतलब मान के चलेंगे ना हम, इसमें ये हाँ मंडल बिल्कुल, जो हाँ मास वही मंडल मैंने, क्षय हाँ हुआ, तो वही आयाम को मैंने, हाँ प्राप्त हुई, आयाम के कारण जो है मेगा रूप विशाल हो गई है ना सर। ठीक हाँ ठीक अब इसमें अगर वायु के छह को किसी को समझ में नहीं आ रहा है, हमारे कुछ नए हैं, अगर नहीं आ रहा है आपको वायु का छह कैसे होता है, मास मंडल कैसे होता है, अगर किसी को नहीं आ, जी पवन जी आप भी हैं, अगर आपको आता है तो ठीक, और कौन, ये महेंद्र चौहान जी भी हैं, हिमांशु शिकारवा शिकरवार सर, आप हिमांशु जी, जी डॉक्टर साहब आप नए आए हैं, जरा परिचय दे दीजिए सर अपना। अच्छा,
सर मेरा नाम हिमांशु सकरवार है जी, और डॉक्टर आलोक शर्मा जी जो है वो मेरे मित्र हैं, उनके रेफरेंस से मैं आपके थाने देखो प्राप्त हुआ और लाभ ले रहा हूँ सर आपकी संपदा का। जी 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 थैंक यू। आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर? मैं सर मथुरा रहता हूँ। अच्छा अच्छा, वही प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी जी, मथुरा के पास में आगरा है हमारी, आगरा में एक डॉक्टर मीनल गुप्ता जी हैं। जी तो आप पास ही पास के शायद, कितनी दूर है मथुरा से आगरा? 50 किलोमीटर। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो डॉक्टर साहब हैं वहाँ, नंबर ले लेना है डॉक्टर साहब को। जरूरत नहीं कही जी 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 धन्यवाद सर। ठीक है, बने रहिए। और आपको ये धातु छह के हिसाब से पता है किस तरह से धातु छह होता है? तो मैं एक बार एक साथ में बता देता हूँ आपको। प्रिया जी आपको आता है? प्रिया जी बोलो। निशा आप, निशा आपको आता है? निशा जी, निशा जी, निशा खुराना, बोल ले रहा है, लग रहा सुन रहा है। चलो इस तरह से जो है अब हम आगे, अगर आगे ले लूं या किसी के केस हैं तो वो रख लीजिए, क्योंकि अब रक्तज गुलमुखी जो हम आजकल की भाषा में जो बड़ा परेशान रहते हैं कि रक्तज फाइब्रॉइड की संप्राप्ति क्या है वो है। सर प्रणाम। सर सर एक बहुत छोटी सी चीज सर मुझे नहीं आती है सर, उसके लिए मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। ये सर दिन में जो कफ वात पित्त कफ का काल होता है सर, सुबह दोपहर और शाम का सर, इसकी जो पर्टिकुलर टाइमिंग दी हुई है सर, उसमें मैं बार बार कंफ्यूज रहती हूँ, भूल जाती हूँ सर कौन सा वाला है, सुबह 6 से 8 वाला, फिर 8 से 10, फिर 10 से 2, उसके बाद फिर सर 2 से, फिर वो दोपहर वाला और शाम वाले में कंफ्यूज रहती हूँ, सुबह वाला बस याद रहता है। सुबह जैसे 4 से 6 कफ का है, फिर 6 से 8 जो है वो पित्त का है, फिर 4 से 8, फिर 8 से 10 और फिर 10 से 2 सर, वो कंफ्यूज आती हूँ सर हमेशा। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? पता नहीं क्यों सर भूल जाती हूँ। सीधे सीधे लिखो 4 से, मतलब कहना चाहिए, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि 4 से लेके, और मैक्सिमम हम 7 बजे भी नहीं कह सकते और हम 7:30 भी नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों के बीच का समय है हर घंटे का जो मतलब कहना चाहिए दोष का। देखो किसी भी दोष के ये आप, अब मैं थोड़ी सी डीप में चला जा रहा हूँ, वो आपको समझा देता। जो 6 काल होते हैं वो 6 चौक 24 के हिसाब से होते हैं, ठीक हो गया ना? जी सर। अब एक दोष का 4 घंटा है। हाँ। एक दोष के 4 घंटे में हमको 4 भाग करने हैं, बल्कि हम उसके 3 भाग करें तो बढ़िया है, वृद्धि संचय और प्रकोप। इन 3 भागों को अगर हम 4 घंटे में डिवाइड करें तो कितना कितना पड़ा सर? 1 पॉइंट सवा घंटा करीब। सवा घंटा इसको पड़ गया, यानी कि इसकी जो 3 अवस्थाओं को ये क्रॉस करेगा। अगर हम 4 से 8 ये समय ले लेते हैं तो हम 8 भी नहीं लेते, हम 7:30 तक लेते हैं। ये पूरी तरह से जो है वो हम ये कहें कि मतलब 6:30 बजे तक होगी ये पूरी तरह से हम लें, तो ये पूरी तरह से हमारा जो समय हो गया वो हमारा कफ बात का समय हो गया, वायु का। उसके बाद फिर हमारा कफ का समय है, और जो कफ का समय आप उसमें सीधे सीधे 3:30 घंटे फिर जोड़ दो, और फिर उसके बाद आपको कफ का समय पता चल जाएगा कि ये कफ का समय यहाँ से यहाँ तक कफ अपनी समन अवस्था तक आ जाएगा, यहाँ तक समन अवस्था तक पहुंच जाएगा, अर्थात उसके बाद फिर कफ नहीं रहेगा, उसके बाद पित्त का उसी के साथ उद्दीकरण होता रहता है, एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस के साथ में बनती रहती है। जब एक का संयोग होता है तो दूसरे का विभाग होता चला जाता है, जब एक अपने
वृद्धि को प्राप्त होते हुए प्रकोप को प्राप्त होता है, फिर वो धीरे धीरे समता की अवस्था में आता चला जाता है, उसका क्षय नहीं होता। ये हम स्वस्थ पुरुष में बता रहे हैं, विकृत पुरुष में नहीं बता रहे। अब उसमें आप जोड़ो 7:30 में 3.5 घंटे जोड़ो, 10:30 सर। हाँ तो सर वात के बाद कफ का काल आ जाएगा कि वात के बाद पित्त का काल आएगा? वात के पास सीधे सीधे कफ का काल आएगा, फिर पित्त का काल आएगा। पहले वात का आता है, फिर कफ का आता है, फिर पित्त का आता है। हाँ, हम देखो सुबह के लिए जितने भी हार्ट अटैक पड़ते हैं वो 4 से लेके और 7-8 बजे के साथ 7:30 बजे तक खत्म हो जाता है मामला। तो वायु का काल है उस समय, फिर उसके बाद कफ का काल होता है, और उसी समय थोड़ी देर पहले या आधे घंटे पहले उसकी वृद्धि होना शुरू हो जाती है, और वृद्धि होके फिर धीरे धीरे इसमें था जोड़ो घंटे, और घंटे के हिसाब से फिर आगे सेट कर दो कि इतने कफ का टाइम। तभी तो हम कहते हैं कोई आदमी अगर कोई खाना खा रहा है, सुबह का खाना खा रहा है, तो ये सुबह का जो विधान बताया गया है ना कि सुबह को बालक की तरह खाना चाहिए, शाम को दोपहर में राजा की तरह खाना चाहिए, और शाम को जो है भिखारी की तरह खाना चाहिए, ये उसी के हिसाब से। तो मतलब 10:30 से 12:30 फिर पित्त का काल होगा, फिर पित्त का। हाँ साढ़े नहीं हाँ 10:30 से 12:30 1 बजे तक जो है वो पित्त का काल होता ही होता है। उस समय हमारी अग्नि बहुत तीव्र होती है, खाना खाते हैं लोग 3-3 बजे खाते हैं, वो अपना उनका हेडक है, वो दिनचर्या उनकी गड़बड़ है। और फिर 12:30 से लेके सर 1:30 बजे सर 2:30 बजे तक फिर से वात का काल आ जाएगा? नहीं 2:30 बजे से क्यों आएगा, 12:30 बजे तक उसका रहेगा, तो 3.5 घंटे जोड़ो तो जरा उसमें 12, 1, 2, 3, 3:30 बजे तक, सॉरी 3:30 बजे से फिर आगे जोड़ दो, बात कब तक रहेगी फिर? सर 3:30, 6:30 तक, 6:30, 7 बजे तक वो रहती है, बात का काल रहता ही रहता है, इसलिए तो कहा गया है कि जो शाम का समय 2 बजे तक बनेगा पित्त का काल, 10:30 से 2 पित्त का काल, 7:15 से 10:30 कफ का। वो आधे घंटे इधर कर सकते हैं, वो उसके आधार पर है, उसके आधार पर है कि आप किसी को वो आधे घंटे इधर कर सकते हैं, लेकिन 6 चौक 24 के हिसाब से आप गणना करें। ठीक है ठीक है, हमें एक दोष के लिए 4 घंटे चाहिए। फिर नेक्स्ट रोटेशन क्या बनेगी सर? किसकी नेक्स्ट रोटेशन किसकी? अब जैसे 2 बजे तक पित्त हो गया, फिर उसके बाद फिर वात कफ पित्त, फिर ऐसे ही आएगा? हाँ 2 बजे तक पित्त का काल हो गया, और 2 बजे तक पित्त का काल अगर उसमें 2 बजे तक ले रहे हैं, तो हम सीधे सीधे 6 बजे तक जो है हम वायु का काल लेंगे, उस समय तक वो जो है 6 बजे तक वायु रहेगी रहेगी शरीर के अंदर। यही कारण है कि शाम को दोपहर की अपेक्षा गर्मी ज्यादा होती है। सर 2 से 6 की 2 से 5 है, अगर 2 ले रहे हैं तो हमको 4 घंटे देने पड़ेंगे उधर, 4 घंटे अभी सर 3-3 घंटे ठीक। अरे नहीं वो 3, अरे भाई आप 4 घंटे कहीं अगर 3.5 घंटे ले रहे हो तो आपको 24 घंटे पूरे करने हैं, और 6 ही काल पूरे करने हैं, 4-4 घंटे होंगे एक दोष के ऊपर। आत्मा काल नहीं हो सकता क्या? सातवा काल हो जाएगा? नहीं नहीं सर, ठीक सर 4 घंटे किससे? तो यही कारण है कि शाम को जब होता है तो हम दोपहर की अपेक्षा शाम को जो गर्मी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वायु उस समय प्रकोप की अवस्था में होती है, और वो क्या करती है उस समय जो है मतलब कहना चाहिए जो भी उसको लगता है कि अगर थोड़ी सी नमी है तो उस नमी से ठंडी ना होके बल्कि एक उमस टाइप की हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा नमी है, बारिश हो रही है, तो शांत हो जाती है। मच्छर है भास्कर? आगे अगर कोई है तो मैं नहीं तो फिर आगे बढ़ू फिर मैं। रक्तज गुल्म के निदान और लक्षणों संप्राप्ति। प्रणाम सर। कल सर मैंने कल मैंने बताया था कि मामा जी की मेडिसिन फिनिश हो गई हैं, तो अभी उनका आगे का ट्रीटमेंट क्या शुरू करना है? हाँ तो बताओ सर। उनके मोशन थोड़ा सा रिलीफ मिला है जब से ओनली कैस्टर ऑयल शुरू किया है, और उससे पहले उनको सेम पोजीशन है, कोई चेंज नहीं है अभी उनके उसमें। अच्छा तो क्या-क्या दवाई चल रही है? दांत में जो दर्द होता था वो मेडिसिंस की वजह से अभी कंट्रोल है, एलोपैथिक तो चल ही रही है उनकी। और अच्छा उनको ट्राइजेमिनल न्यूरेलजिया थी? हां जी हां जी सर, ट्राइजेमिनल न्यूरेलजिया था, हेपेटाइटिस बी है, प्लस उनको थोड़ा प्रोस्टेट का भी इशू है। अच्छा ट्राइजेमिनल न्यूरेलजिया, हेपेटाइटिस बी और हल्का सा प्रोस्टेट भी एनलार्ज है, मतलब यूरिन का ऐसा जो उनको कोई इशू नहीं है, बट डॉक्टर ने कोई मेडिसिन उसमें सजेस्ट की हुई है एलोपैथिक उसमें।
तो उनका केवल एरेंडेल चल रहा है? हाँ जी सर। तो और दवाइयां चलाओ उनकी। उनका खाना पीना क्या बंद किया? सर उनकी मेडिसिंस के अंदर रस, राजेश्वर रस, आरोग्यवर्धिनी वटी, सुवर्ण वसंत मालती रस, एविपत्ति कर चूर्ण, सत गिलोय और एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ जी सर, इसमें अभ्रक भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, गोदंती भस्म, टंकण भस्म, इन सब की आपने पुड़िया बना के खाने के आधे घंटे बाद दे रखी है, और सुबह खाली पेट में इनका खाने से एक घंटे पहले अर्गवत दादी कषाय चल रहा था, और रात को सोने के टाइम पे कैस्टर ऑयल चल रहा है, बस यही चल रहा है सर अभी तक, यही चल रहा है, ऊपर से कुछ नहीं दिया। और एक उनको सिकाई भी बताई थी आपने, सौंठ और अजवाइन की पुड़िया सी बना के पाउडर की, और उसकी सिकाई बताई हुई थी फेस पे। अच्छा, तो दांत में दर्द वैसा ही है उनके? नहीं सर, मेडिसिन वो एलोपैथिक चल रही है ना, तब भी उनका कंट्रोल था उससे, लेकिन वो मेडिसिन छोड़ना चाह रहे हैं। वो ट्रीटमेंट इसलिए लेना शुरू किया था कि जो उनको एकदम से मेडिसिन की जो डोज बढ़ गई थी उससे हाँ। कंट्रोल तो हो गया था दांत में दर्द, लेकिन अब वो डोज जो बढ़ गई है उसको घटाना चाहते थे वो। तो अच्छा, अभी 15 दिन हुए हैं, 15 दिन में जैसे लास्ट 3 दिन से हमने कैस्टर ऑयल पे रखा, पहले सोंठ अजवाइन के काढ़े के साथ कैस्टर ऑयल जा रहा था, तो उससे उनका फिर भी क्लियर नहीं हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन वैसी ही थी, 2 दिन में एक बार जा रहे थे, लेकिन अब जब से कैस्टर ऑयल प्लेन शुरू किया है तब रेगुलर में जा रहे हैं, स्टूल अभी हार्ड ही है लेकिन थोड़ा बहुत जा रहे हैं। अच्छा, कोई सिखाई बताई उनकी? सिकाई आपने फेस पे सिकाई बताई थी, सोंठ और अजवाइन के ही पाउडर की सिकाई बताई थी। ठीक है, तो ऐसा करो ना, सोंठ और अजवाइन को पाउडर से पहले एरंड तेल की यहाँ पर मालिश करें, ठीक है सर, है, और मालिश करने के बाद फिर जो है उसकी सिकाई करें, ठीक है, ठीक है सर। है, और उनको ये चीर वाला तेल का नस दो। शीर वाला तेल का नस है हेपेटाइटिस स्टार्टिंग में, तो सर आपने बोला था कि जो नस्या है वो केवल सरसों के तेल की 2 बूंद का नस्या लेना है, उससे पहले और कुछ भी नस्या नहीं लेना है। हाँ, अगर अब जो है, क्योंकि उनको मेरे को शायद उस समय या तो ध्यान नहीं रहा होगा या फिर मैं मिस कर गया होऊंगा, क्योंकि हेपेटाइटिस सी है ना उनके लिए। हाँ, हेपेटाइटिस बी भी है, और उनको आपने घी वगैरह सब बंद करवाया था, हाँ सिर्फ एक चपाती के ऊपर तो नहीं ले रहे हैं, सब्जी के अंदर जो हल्का फुल्का डलता है बस वो ही ले रहे हैं, और सब्जी भी मोस्टली सब बॉइल्ड खा रहे हैं, घिया, तोरी, टिंडा और ये परवल, इन 4 सब्जियों के अलावा वो कोई सब्जी नहीं खा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, दाल खा लेते हैं, मूंग की धुली दाल, बस ये टोटल 5 सब्जियां वो जो अभी रूटीन में खा रहे हैं, और डाइट के अंदर कोई भी फ्रूट नहीं चल रहा है, फ्रूट में केवल कभी कभी अनार ले लेते हैं, लेकिन अभी अनार खट्टा आ रहा है तो अनार भी नहीं, पपीता लेते हैं और सेब लेते हैं, बस ये 2 फ्रूट में चल रहे हैं अभी। अच्छा, तो एक तो हमारा ये बढ़ा दो उनका। सर आपकी आवाज कम आ रही है या? मेरी आवाज कम आ रही है अब? अब आ रही है सर। एक तो ये बढ़ा दो उनका कि एरंड तेल को वहां मतलब यानी मालिश करके, और सुंठी के और अजवाइन इन दोनों की पोटली बना के और फिर उसकी सिखाई करें। ठीक है सर। और आरगवा दादी कषाय वैसे ही चलेगा इनका? हाँ, आरगवा दादी कषाय वैसे ही चलेगा, क्योंकि रक्त की अम्लता है वहां, हेपेटाइटिस बी है पहले से, ठीक है, इसलिए उसको बंद नहीं करना। ठीक है सर। और और खाने के बाद की जो मेडिसिन है इनकी, हाँ वो बताओ जरा कौन कौन सी है। रस, राजेश्वर रस, आरोग्य वर्धनी वटी, स्वर्ण वसंत मालती रस, अविपत्ति कर चूर्ण, सत गिलोय, अभ्रक भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, गोदंती भस्म और टंकण भस्म, इन सब की पुड़िया बना करके 3 ग्राम की मात्रा सुबह शाम चल रही है। ठीक है, इसमें एक मेडिसिन और बढ़ा दो। कौन सी सर? भरतवाग चिंतामणि रस, एक एक गोली, एक एक गोली सुबह। ठीक है सर।
ये खाली एक, पे। हाँ हाँ खाली जी सर, ना ना ना, कुछ खाने के बाद दे दो। ठीक है सर। और एक अगर वहां मिल जाए तो द्राक्षा अबले, ठीक है सर, बस द्राक्षावली रात को सोने से पहले दूं या फिर कैस्टर द्राक्षा ऑयल चलने दूं? ठीक ना ना ना, द्राक्षा अबले तो सोने से पहले ही दे दो उसको, सब इन दवाइयों के साथ। कैस्ट्रोल तो आखिरी में देना है उसको। है, ठीक है सर, द्राक्षावली खाने के बाद ही देती हूँ फिर मैं। ना इम्प्रूव करो, इधर बैठो, पहले आप रिलैक्स कर रख लो, आप बैग रख लो। सर सबकी आवाज आ रही है मुझे, आपकी आवाज नहीं सुन रही। मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ अब बोलो। हाँ जी सर, तो खाने के बाद खाली एक द्राक्षावली और बृहद्वाद चिंतामणि रस, हाँ, बस ये दो चीजें और ऐड करनी है पुराने बस वाले ये दो ट्रीटमेंट चीज़ में। और ऐड कर दो इसमें। ठीक है सर, और खाने पीने में कोई चेंज करना है? अभी खाने मीठा पीने बिल्कुल में जो नहीं चल खा रहे रहा हैं, है वो खट्टा कुछ खाएं, नहीं खाते? जो चल रहा है, हाँ जो परहेज चल रहा है वही खाएं, क्योंकि ठीक और है, कुछ ज्यादा हम कुछ खिला भी नहीं सकते। साथ में हेपेटाइटिस है तो कुछ कर भी नहीं सकते, और क्योंकि वायु का अपना नाना तो विकार भी है तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। घी तेल की मात्रा, घी थोड़ा सा, देसी घी कम से कहना, थोड़ा सा खाओ, लेकिन एक टाइम खा लो, एक टाइम एक चम्मच या दो चम्मच खा लो, दूसरे टाइम मत खाओ, ठीक है। ठीक तो है, उसको ठीक है सर। थोड़ा टाइम, यानी कि हम 15 घंटे 17 घंटे का टाइम दे देंगे ना, और तो फिर क्या होगा कि हमारा लिवर भी सही से काम करता रहेगा, अन्यथा वो घी को पचा नहीं पाएगा तो उसमें भी दिक्कत आएगी। तो एक टाइम करो, लेकिन एक या दो चम्मच करो, सीधे 2 चम्मच करो और एक ही वक्त करो। ठीक है सर, यही बोलती हूँ मैं पर। थैंक यू सर सर। मेरा एक सर जी सर अब वो दांत में दर्द जैसे कह रहे हैं और ट्राइजेमिनल न्यूरेलजिया है, तो क्या गंडूष धारण किसी भी तेल का या नस्से का कुछ रहेगा इसमें रोल क्या? नस का तो रहेगा, वो तो मैंने बता ही दिया। अभी आपने शीरबला तेल का नस्से ऐड किया है ना सर? सर सर मेरे पास भी एक शीरबला केस था। के, हेलो, हाँ आप बताओ। हाँ आप मेरे बताओ। मेरे पास भी एक केस था सर ट्राइजेमिनल न्यूरेलजिया का। मैंने उसमें जो ट्रीटमेंट दिया था सर, एक तो अश्वगंधा दिया था उसमें गोगृत के साथ, उसमें बढ़िया। विसमुष्टि टेबलेट दी थी, सप्तमिस्ति गूगल दिया था, दो दो गोली सुबह शाम, वृहद्वाद चिंतामणि, एकांगवीर रस, वो अदरक सब रस के साथ दिया था, और उसमें 10 मूल क्वाथ दिया था सर। वो पेशेंट ना बहुत अच्छा चला मेरा, काफी आराम रहा, और नशे उसको अणु तेल से दिया था मैंने। बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर, बिल्कुल इसमें आपने, उसमें बिल्कुल सही कह रहे हो, उसमें बिल्कुल आपने ठीक दिया। अब यहाँ पर ही दूसरी बनी हुई है ना, लिवर में संप्राप्ति बनी हुई है, हेपेटाइटिस बी। सर इसमें प्रोस्टेट के लिए आपने क्या देखा सर? अभी मैंने कुछ नहीं देखा है प्रोस्टेट पर, अभी मैंने सिर्फ केवल इतना देखा है, बाकी प्रोस्टेट की जो दवाई डाल दी है वो जो अभी बढ़ाई है, हाँ एलोपैथिक चल रही है इनकी चेंज होके। प्रोस्टेट वो उसी के ऊपर है, क्योंकि हम तीनों को एक साथ में अगर लेंगे ना सर होता अभी क्या है कि इतना प्रोस्टेट को इलाज अगर हम है कम नहीं, करेंगे बहुत तो ही प्रोस्टेट, माइन्यूट माइल्ड उसमें है, ऐसा सच कोई इफेक्ट वो नहीं है उसका। यूरिमैक्स डी दिया होगा मैम, अगर वो वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम पे डिपेंड है मैम कितना है, अगर यूरिन फ्री फ्लो सही आ रहा फिर हमें जरूरत भी नहीं है बार बार, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी नहीं हो रही है ना उस पर इतना हाँ ज्यादा वो बार स्ट्रेस बार दे। नहीं हो रही है सर, और हाँ तो उसमें, यूरिन का हाँ फ्लो सही है उनका। तो उसमें ज्यादा स्ट्रेस देने की भी जरूरत नहीं है फिर। हाँ इसलिए वहां रोके पड़े हैं कि लिवर भी ठीक ठाक रहे। हाँ सर मुझे एक चीज नहीं समझ आई, शीरबला तेल का नस्से देना अभी देना अच्छी ब्लॉक, तो क्या 5-5 ड्रॉप से शुरू करूं? ठीक 5 ही 5 देना बस, ज्यादा नहीं। है, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर वातशामक का क्यों नहीं दिया कारण? बृहद्वाद तुमने दिया, नहीं, नस्से नस्से की बात कर रही हूँ, नस्से शीरबला का देने का क्या यहाँ पे पर्पज रहेगा? क्योंकि जब हमने पहले, मेरे जो दो पेशेंट हैं उनमें तो मैंने तो महानारायण का दिया था और आपने कहा था ठीक है महाविषगर्भ का भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपने शीरबला का चूज कैसे किया मतलब यहाँ पे? देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं, मुझे सब वो देखना पड़ रहा है कि लिवर में कोई दिक्कत उनको ना हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लिवर की अगर कोई भी डिजीज है तो आप मन करें वो नस दे दें। आपको वहां देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हेपेटाइटिस बी बैठा हुआ है, अर्थात बी का मतलब वहां पर जो बी खतरनाक क्यों होता है, बी खतरनाक इसलिए होता है कि बी की वही कंडीशन होती है जो आम बात की होती है। अच्छा
हेपेटाइटिस सी बिल्कुल क्लियर कट होता है कि उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन बी में ऐसा होता है जो सिर्फ केवल आपको अगर समझ में आती है तो जो आमबात की कंडीशन होती है हेपेटाइटिस बी में वही कंडीशन होती है। हम एक को बढ़ाते हैं दूसरा घटता है, दूसरा घटता है तीसरा बढ़ जाता है, इसलिए हेपेटाइटिस बी खतरनाक है। अब नस क्यों मतलब उसका हमने वो क्यों नहीं किया, क्योंकि किसी भी ऐसी डिजीज में कोई तीक्ष्णता पैदा नहीं करनी होती। अगर हमने तीक्ष्णता पैदा कर दी तो बॉडी में इरिटेशन होना शुरू होता है, और जब बॉडी में इरिटेशन शुरू होता है तब बॉडी का जो अपना सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है और हमको वो ही नहीं करना है। इसीलिए सर आपने यहाँ पे पुनर्नवा मंडूर या ये सब नहीं को भी नहीं, इसीलिए ही नहीं चूज किया है ना, मैंने क्योंकि नहीं दिया कि बॉडी के अंदर कोई भी क्षोभ पैदा ना हो। अगर क्षोभ पैदा होगा तो दोष का वहां से गमन शुरू हो जाएगा, तो वो कहीं और जाके भी संप्राप्ति बना लेंगे, फिर वो कुछ और फिर पता लगे पेशेंट इससे तो कम परेशान है और ज्यादा दिक्कत होगी उसको। और आपको दिमाग में यही आएगा कि यहाँ पर क्या मैंने ऐसी कोई दवाई नहीं दी थी जो कि लिवर पे बुरा इफेक्ट डालती। आप तीक्ष्ण नस दे बैठे उसे, अर्थात ऐसा नस दे बैठे जो उसमें इरिटेशन पैदा करे, उससे दोषों का क्षोभ होना शुरू हो गया और जो दोष बैठा हुआ था चुपचाप करके वो गमन करना शुरू कर दिया। आचार्यों ने कहा है ना, थोड़ी सी भी अगर इरिटेशन क्षोभ पैदा कर दिया आपने चल करके तो दोष जो है फिर अपने क्या करते हैं शाखाओं से वो क्या नाम पोस्ट से सीधे शाखाओं में जाना शुरू कर देते हैं, फिर दिक्कत होती है मरीज को। तो इसलिए मैं वहां को बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ हूँ, केवल आरग्ध दे दिया है मैंने ताकि वो अम्लता को खत्म करता रहे। बाकी अगर अम्लता अगर खत्म होती रहेगी तो वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ये ट्राइजेंगल न्यूरल्जिया ठीक हो जाएगा तब वहां पर फिर देखेंगे कि अब चाहे दोष छह हो, दोष का इरिटेशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अब तो देना ही। और गंडूर धारण का सर उसका वो कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। सर मेरे पास एक फाइब्रॉइड का केस है जिसका हमारा ट्रीटमेंट शुरू है, तो फाइब्रॉइड 6 mm का था और उनको आम्ल पित्त की संप्राप्ति थी, तो उसमें हमने शतावरी चूर्ण मुक्ता शुक्ति प्रवाल पिष्टी पित्त शेखर रस एरंड तेल और दशमूल क्वाथ बलारिष्ट के साथ दिया था, और आरगवद महातिक्तकम कषाय और सुवर्ण गैरिक ये 1 महीने का ट्रीटमेंट उनको दिया था, तो उसको काफी आराम 80-90% था। फिर उसके बाद दूसरे महीने में सेम ही ट्रीटमेंट रखी थी क्योंकि उसको अच्छा रिलीफ मिला था, लेकिन उसमें हमने आरोग्य वर्धिनी ऐड किया था, और बीच में पेशेंट बोल रही थी कि मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो मैंने ब्राह्मी पर्ल ऐड कर दिया था और अविपत्तिकर चूर्ण उसे ऐसे पेट में ऐसे फूला फूला लगता था तो मैंने उसमें अविपत्तिकर ऐड कर दिया। अभी उसको बहुत रिलीफ है, जो पीरियड्स में पेट दर्द बैकएक हो रहा था, बैकएक तो कम है, पेट दर्द बहुत नहीं हुआ और फ्लो भी बराबर है और क्लॉट्स नहीं पास हो रहे हैं, और लेकिन उसको एक कंप्लेंट्स है कि पीरियड के पहले उसे ऐसे नीचे पेट फूला फूला लगता है और उसे प्रेग्नेंट जैसे लगता है फाइब्रॉइड की वजह से, और थोड़ा इरिटेशन होता है यानी चिड़चिड़ाहट वगैरह होती है, और हेड में शिरा प्रदेश में ऐसे तो प्रिकिंग सेंसेशन होता है, बस इतना ही उसको कंप्लेंट है सर, बाकी सब उसको अच्छा हो गया, 90% ठीक हो गई वो, लेकिन ये थोड़ी कंप्लेंट्स है। तो इसमें जब पीरियड्स के नीचे उसे ऐसे फूला फूला होता है तब क्या दे सर फिर? ठीक है मैं बता देता हूँ। डॉक्टर सोनाली साइज क्या बताया फाइब्रॉइड का? 6 mm था मैम, 6 mm है, 6 mm में कुछ नहीं होता मैम, ठीक है उसको बन रहा था, हो सकता है उसका साइट ऐसा हो, लेकिन उससे वो प्रेगनेंस वाली फीलिंग या वो नहीं आती, इतना बड़ा 6 mm होता ही क्या है, नींबू के आकार के जैसा है मैम, लेकिन वो थोड़ी प्रकृति थोड़ा होगा मैम, 6 mm तो नींबू तो बहुत बड़ा, नींबू का हो गया, नींबू नहीं हुआ बेटा, ये तो बहुत छोटा होता, बहुत छोटा हुआ, तो वो जो उनको होता है वो उनको पीएमएस ही होता है,
जो उनको पेट फूलता है, हेडेक होती है, शरीर में दर्द होता है, हेड प्रिकिंग फीलिंग होती है, वो उनको ये पता चल गया कि फाइब्रॉइड है, इसलिए वो मनोभाव के कारण ये आते हैं उनको सिम्टम्स, ऐसा ऐसा होता है जा कुछ पेशेंट्स में देखा गया। बट 6 mm फाइब्रॉइड की वजह से पेट फूलता ऐसा नहीं हो सकता। चने के दाने जितना बड़ा वो ऐसे बोलती है मैम, उसने बोला। सर स्केल का हिसाब उसको बताइए, 1 cm का जो स्केल होती है ना 1 cm में, उसमें 10 mm होता है, उसके हिसाब से बताइए भाई, देखो कितना साइज हो सकता है। नहीं आप मेरी बात नहीं समझ, आप अपनी उंगली से बताओ कि इतना है, ऐसे कैसे डिसाइड करें कि हम मरीज को तुरंत एकदम डायरेक्ट बता दें देखो इतना सही है, इतने से ज्यादा नहीं है, चने के दाने जितना है, इतने से ज्यादा नहीं है, चने के दाने जितना। मैं बता देता हूं, आज हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी भाषा कोई ऐसा पर्सन बोलता है तो हम उसको ध्यान में नहीं रखते, और हमारे सामने रोज ऐसी चीज गुजरती है जो कोई ना कोई हमको सिखा के जाता है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम उसको सीख नहीं पाते। आयुर्वेद ने इसे कहा है मान, मान परिमाण, परिमाण मैनेजमेंट कितना है, ठीक है। तब उन्होंने वहां कहा है कि परिमाण जब किसी वस्तु का नापते हैं तो उस परिमाण में हमको ये देखना पड़ता है कि हमारी उंगली का साइज कितना है, हाँ हमारी उंगली का साइज कितना है, उस उंगली के साइज के हिसाब से आपको प्रमाण निश्चित करना है, क्योंकि हम सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर उस समय नहीं थे तब। अब इसको जो है उन्होंने अलग अलग तरीके से कारकावली से अलग से लिया है, फिर उन्होंने जो वैशेषिक दर्शन है उससे अलग लिया है, फिर उन्होंने चरक को भी लिया है, और फाइनली वहां पर बोले जी मैनेजमेंट प्रमाण क्या होता है, तो प्रमाण हमारा टूल है, प्रमाण क्या है हमारा आयुर्वेद का टूल, उसको हम बाहर ही सीख सकते हैं। तो बोले ये जो जितने भी जो हमारे ये पराधी गुण है ना, इनको हम बाहर ही सीख सकते हैं, उसको अंदर ही नहीं, अंदर से नहीं सीख सकते हम, लेकिन वो लगे हर किसी दोस्त के साथ में होते हैं, क्योंकि प्रमाण को अगर दोस्त का नापना होगा तो हमें अनुमान तो करना पड़ेगा, मान तो उसका निकालना पड़ेगा। तो हम जैसे फाइब्रॉइड में करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम आप बाहर की प्रकृति में जाते हैं, तो जब हम लेंटर डालते हैं तब वहां पर हम जब पथरी लेने जाते हैं लेंटर की, तो वहां पर हम पूछते हैं या वो बताता है कि भाई साहब 10 तो बताता है हमारे लिए कि जो 20 है रेट है, और जो 10 है वो इस रेट है, और आप 5 लेंगे तो इस रेट मिली। अब वहां पर पहले आप 20 का देखो कितनी बड़ी गिट्टी है जो उसमें पड़ती है, तो वो इतनी बड़ी होती है, जो उस लेंटर में पड़ती है वो 20 mm की होती है। हाँ वो बात अलग है कि 21, 22, 23 कोई कोई जो कटर है वो ऐसे काट रहा है कि कभी उसने 21 काट दी, कभी 20 काट दी, कभी 22 काट दी, लेकिन वो प्रमाण जो आपको देगा कि लेंटर में 20 जो गिट्टी होती है 20 बोलते हैं उसकी, 20 चाहिए भाई साहब कि हाँ 20 चाहिए, ये है 20, फिर आप गिट्टी उठा कर देखो तो वो मतलब 20 mm, 20 का मतलब 20 mm की है। अब ये कितना बता रही है, 6 mm, अब लगा लो कितना है, जितना बड़ा होगा सर। लेकिन सर यहाँ जो डॉक्टर सोनाली जहाँ पर है वहां तो उनको मेजरमेंट करके बताना पड़ेगा, वहां हाथ से थोड़ी बताना पड़ेगा। देखिए मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, जहां पर वेल एजुकेटेड है वहां पर आप बता सकते हैं कि इतने mm की है, लेकिन भारत देश के अंदर क्या है, वहां तो वो बता दो, आप बता दो इतने mm की है, वो खुद ही समझ जाएगा कितने mm, क्योंकि वहां पर वेल एजुकेशन है, यहाँ पर तो कोई ज्यादा है ही नहीं, mm किसी से बोल दो बोले क्या, यहाँ तो सेंटीमीटर में बता देंगे तो यूं ही कहेगा बाद में, कहता है उसका नहीं पता चल रहा, हाथ से बताओ। हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि हमको यहाँ क्या बताना है, हमको मैनेजमेंट कैसे करना है, वहां पर कैसे मेजर करें कि कितनी है। अब वहां पर भाई साहब आपकी सिप्स इतने हो गई, ये गोलाकार होता है, इसके बीच में से एक केंद्र डालो, फिर
फिर इधर को लो, फिर ऐसे घुमा दो पूरा, इतनी बड़ी है। वो कहेगा यार ये क्या तमाशा है, ऐसे बताओ ना ऐसे करके, बोली इतनी बड़ी, तब समझ में आ जाएगी उसको, हाँ इतनी बड़ी पहली बार में ही आ जाएगी। सर वहां पर क्या है, या यहाँ पर भी कहीं पर भी सारा जो ना वो आयाम जो बता रहा है वो तो रिपोर्ट बता रही है, सेंटीमीटर अब सोना नहीं लिख रही है, सेंटीमीटर देखो, सेंटीमीटर लिख रही है, इसका मतलब 69 mm की है। हाँ तो पहले सर mm कह रही थी, तो mm से तो लग ही नहीं रहा था, इतनी सी छोटी फाइब्रॉइड मैंने mm बोल दिया। 60 अब 3 गिट्टी हो गई, इतनी टेनिस की बॉल बन गई, अब हाँ, अब टेनिस की बॉल बन गई। हाँ अब जब 3 गिट्टी लेंटर कितनी हो गई, तब आप समझ लो इतनी बड़ी है, ऐसे कर घुमा के बता दो इतनी बड़ी है ऐसे कर। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, मेरे कहने का मतलब ठीक है 69 mm की है, अब उसको ये ट्रीटमेंट रखो। हाँ तो उसको क्या दिक्कत हो रही वो मैं बता देता हूँ, क्या भारीपन। हाँ सर पेट के नीचे भारीपन, फूला फूला करना क्या होता है? आप करना क्या है मैं बता रहा हूँ, 10 मूल काढ़ा लेना, मिल जाएगा ना 10 मूल को आत्मा। हाँ मिलेगा, ठीक है 10 मूल काढ़ा लेना, और 10 मूल काढ़े को एक कपड़ा लेना रूमाल टाइप का, लेकिन वो कुछ मोटा होना चाहिए, थोड़ा सा जो घर में पोंछे लगाए जाते हैं उस टाइप का कपड़ा हो, और वो इतना होना चाहिए कि हमारे जो पेल्विक एरिया है नीचे का, नाभि से नीचे का वहां तक थोड़ा सा इतना चौड़ा सा ऐसे करके जी सर वो ले लें, और लेने के बाद उस 10 मूल क्वाट को क्या पहले करें गरम, और गरम करने के बाद फिर उसको उसमें भिगोएं, और फिर उसको हल्का सा निचोड़ दें, और निचोड़ने के बाद उस पे उसके जो एरिया है उस पर ऐसे करके रख दें, यूं रखना कितने मिनट है जब तक वो ठंडा जा, जिस जैसे ही वो रखें ऊपर से एरंड तेल ऐसे करके डाल देना उसको, जैसे हम क्या करते हैं क्या होता है, जैसे हम कभी कुछ वो क्या खाने जाते हैं जलेबी, इक्की बिक्की जलेबी खाते हैं, उसके ऊपर ऐसे करके डाल देते हैं एरंटी। ये परंटी बनानी है सर, मतलब वो तो मलाई डालते हैं जो भी डालते हैं, हम यहाँ एरंटी डालेंगे, तो वहां एरंटी डाल दें, और जब तक वो ठंडा ना हो तब तक उसको हटाना मत, जब वो ठंडा हो जाए तो उनको बोलना आप हटा दो इसे और ये साफ करो, और तुरंत जो है उस चीज को ढक लो, ढक लो मतलब जो जो उनके वस्त्र हैं वो नीचे कर दो, और नीचे करने के बाद उनसे कहो अब रात शाम को आपको, या दोपहर में शाम को, या मतलब कहना चाहिए सुबह के लिए, दोनों टाइम अगर कर लेंगी तो अच्छा है, एक बार कफ का टाइम है एक बार वायु का टाइम, दोनों टाइम कर लें ताकि वहां पर कफ और वायु दोनों ही शांत हो जाए, खासकर वायु को शांत करना है तो शाम के टाइम अच्छा रहेगा, अगर कफ थोड़ा बहुत रह गया है तो ये अपने उस प्रभाव से उसको क्या करेगा बिलियन कर देगा, और वो भी उसके साथ में दूसरी बार मेंसेस आएंगे तो निकल जाएगा, तो और पेट में जो भारीपन है वो वायु के कारण है तो उससे शांत हो, 10-12 दिन उनको करा देना, और 10-12 दिन कराने के बाद, और खास जिस समय मेंस हो उस समय नहीं कराना, ये ध्यान रखना। जिस समय मेंस हो उस समय ये क्रिया नहीं करनी, अगर थोड़ा सा कैस्ट्रोल दे दो तो सर उस टाइम। हाँ हाँ वो दे सकते हैं, कैस्ट्रोल तो चल रहा होगा ना उनका, चल रहा है सर कैसे, हाँ, वो ठीक है वो बात वायु कर लो, और उसे वो चिड़चिड़ाहटपन होता है तो हाँ, उसके लिए सर मैं बोल रही थी उसमें आमले की अश्वगंधा और गुड़ूची इसका जो कॉम्बिनेशन है पाउडर का बना के वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, पीएमएस जैसे होता है, अश्वगंधा आमले की और गुड़ूची का, ठीक है उसके लिख लो दे दो। ये क्या खाली पेट देना होता है डॉक्टर? नहीं बाद में देते हैं मैम, टैबलेट भी आती है रसायन वटी के नाम से, तीनों का ही फॉर्मुलेशन है, और अगर नहीं मिले तो सेपरेटली अश्वगंधा चूर्ण भी दे सकते हैं मैम, उसमें गोक्षर होता है रसायन वटी में, नहीं हाँ तो गोक्षर से भी तो जो प्री मेंस्ट्रुअल शोथ होती है जो वाटर रिटेंशन ऐसे समझ लो होती है तो वो भी उससे कम हो जाती है और चिड़चिड़ापन भी कम हो जाएगा, और जो हेडेक प्रिकिंग फीलिंग हो रही है ना सिर में वो भी चली जाती है मैम। डॉक्टर
डॉक्टर साहब ऐसे केसेस में सिर्फ मतलब यही चीज कॉम्बिनेशन में दिया जाता है या साथ में कोई आशा वरिष्ठ भी ऐड होता है इसमें? नहीं, अगर सिर्फ पीएमएस होता तो मैम उसमें तो अलग अलग कंडीशन है ना, इनका तो फाइब्रॉइड है इसलिए बोला, इनकी तो कंडीशन मेरे पास भी सेम केसेस में ना, मतलब पीएमएस के बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें मेंसेस से पहले चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, बस सिर्फ उसमें नेचर में चेंज होता है, अदरवाइज और कोई परेशानी नहीं होती लेडी को। हाँ तो वो सर ने पहले बता रखा है उसमें, जहां तक मुझे याद आ रहा है कुकुटांत तक भस्म बताई थी सर ने, शुद्ध गुगलू बताया था और एक अस्थि श्रृंखला है ना सर, यही बताया था शायद, हरिओम सर। हाँ, यही बताया था आपने पीएमएस में कि कुकुटांत तक भस्म वो कैल्शियम का जैसे हम उसको ऐसे निकाल लेंगे, और ये आमला की गुड़ूची गोक्षुर अश्वगंधा का योग देंगे, और तीसरा आपने एक बताया था हड़जोड़ अस्थि श्रृंखला बहुत अच्छा काम करती है। अस्थि श्रृंखला अच्छा काम करती है। हाँ जी, यही मैम आप ये वाला कॉम्बिनेशन लिख लो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और अश्वगंधा तो दे ही सकते हो अलग से भी। मैम इसको किसने डोज में कैसे दिया जाएगा? क्या थी? यही पीएमएस में मैम भस्म तो वैसे दे दो ना, पुड़िया बना के दे दो, रसायन वटी खाने को आती है, हड़जोड़ के भी टैबलेट आती है। अच्छा। हिमालय ड्रग्स की हड़जोड़ की आती है, टैबलेट ही आती है, एक गोली सुबह शाम दे दी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी मैम, विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी साथ में होती है कैल्शियम के संग, तो हम क्या इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं? बता रखा है, बताया सर ने, एक मिनट अब तो मुझे खोलना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, रिकेट्स का बताया था सर ने, जिसको कि मेरा ख्याल वो पूरा ही कवर कर दिया था सर ने। आजकल मैक्सिमम पेशेंट को विटामिन डी डेफिशिएंसी लिख के दे देते हैं, बैक पेन वाला होता है, बाहर नहीं निकलते ना। अर्जुन खीर पाक में बताया था मैम। नहीं नहीं, रिकेट्स में बताया था सर ने, मुक्ता शुक्ति ताप्यादि लो, मंडूर कुकुटांड और शंख, इसको आमले के स्वरस के साथ, है ना सर? ये बताया था सर ने, अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो पहले डी डेफिशिएंसी में भी हम उसके एनीमिया में जरूर जाते हैं, और एनीमिया में जाके अम्लपित्त की संप्राप्ति जरूर निकालेंगे, क्योंकि आज के युग में हम जितने भी लोग कंप्यूटर पे बैठे हैं और अंदर रहते हैं, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई और खान पान गलत हो गया, रहन सहन भी वैसे, तो अम्लपित्त की संप्राप्ति तो है ही है 99% को, तो वो तो जो सर वाला जो फॉर्मूला है मैम, शंख और वो वाला, वो तो दे ही दोगे, और विटामिन डी के लिए तो सर ने यही बताया था, क्योंकि ताप्यादि लो मैम एक्टिवेट करता है थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन को, तो उससे विटामिन डी की फॉर्मेशन ऐसे माना जाता है, तो सर ने तो बड़े निचोड़ निकाल रखे हैं, ये इतना पैरेलल ट्रीटमेंट बताया था। मैम रिपीट कर दो। मैम जरा रिपीट कर देने के लिए, मुक्ता शुक्ति पिष्टि ताप्यादि लो, डोज बाद में बोल देती हूँ, पहले लिख के देखूंगी। हाँ बस अब मंडूर भस्म, कुकुटांड त्वक भस्म, शंक भस्म, मैम पहले वाले दो मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, ताप्यादि लो 10 ग्राम, मंडूर भस्म 5 ग्राम, कुकुटांड त्वक भस्म 2.5 ग्राम, शंक भस्म 2.5 ग्राम, इसकी 30 पुड़िया बनानी है मैम, और 20 ml आंवले के स्वरस के साथ सुबह शाम। बहन जी, जी सर जी। आप बोल रही हो ना? जी सर। और मैं इसमें ये देख रहा हूँ अपनी डायरी में कि ये मैंने कहाँ लिखा है। गुरु गुड़ रह गए, चेहरा चक्कर हो गए। अरे नहीं बाबा, सवाल ही नहीं पैदा था, गुरु के तो नख के बराबर भी ना पहुँचने पाएंगे इस जन्म में। मैं भी कलेक्शन हो रहा है, बुक लिखवाने में आपका पूरा सहयोग रहेगा हम सर के साथ। कुछ नहीं, मानते ही नहीं है, बड़ी सजेशन दे ली, अब यहाँ पे तो गुरु के रूप में है तो लड़ भी नहीं सकती, फोन करके तो लड़ लूंगी बाद में। अब मैं इसमें ये देख रहा हूँ अपनी डायरी में ही मैंने लिखा कहाँ था। नहीं सर, आपने ना, मैं बताती हूँ, एक रिकेट्स का केस था, इन एक का हमारा, मैंने डेट नहीं डाली हुई, तो उसमें संप्राप्ति आपने निकाली थी पांडु और अम्लपित्त की, तो आपने वो जहर मोरा मुक्ता शुक्ति अलग से बताया था, और ये आपने स्पेशली बोला था, और देखो इतना लॉजिक है सर, इतना लॉजिक है। वो डॉक्टर वाला बच्चा, वो बच्चा था जिसके हमने खड़ा करके देखा था, उसके पैर वो मिल भी रहे थे कि नहीं मिल रहे थे, वो वाली। अच्छा अच्छा, बैंगलोर वाली अंग्रेजी वाली। वो एक बार बच्चे को खड़ा करके देखा था, फिर हमने उसमें। अच्छा ठीक है, ठीक
और सर ने विटामिन B12 के लिए भी बताया था, शिंगरू और सप्ताम्रत लो, ये दोनों के कॉम्बिनेशन बताई थी। शिंगरू तो है ही है, शिंगरू का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अब तो उसमें उसमें सर जो फिर हम थोड़ा सा रह जाएगा, हम दो तीन चीजें लिख लेते हैं। प्रिया मैम का केस ले लो 5 मिनट में। प्रिया मैम मेरा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, इस मेरे पेशेंट को लोह कल्प और यूटेराइन टॉनिक ऐड करना है क्या सर? अभी नहीं। हाँ सर, क्यों सर, ताप्यादि लो तो दे दो, ऐसा है ना, धात्री लोह। हाँ वो दे दो। हाँ धात्री लो, यस करेक्ट सर। बताओ मेरे केस से जी। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मैम। हरजीत जी आपका भी केस है? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, मैंने रिव्यू करना सर, हम बात कर रहे हैं। सर केस था पिरदर रोग का। अच्छा पिरदर रोग का केस था सर, 6 साल से हो रही प्रॉब्लम ये, और उसने उन्होंने जो है एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड खा रखे हैं काफी टाइम से, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। अच्छा जी सर, और फिर मैं आपको ये बता देता हूँ, सबको तो पता ही है लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जी सर। हाँ बस 5 मिनट में आपका ये हो जाएगा। पितर रोग में हमेशा जो है चिकित्सा प्रत्यक्ष की जाती है, जब भी किसी मरीज को आपको पास आए तो उससे आपको सबसे पहला प्रश्न यही करना है कि क्या आपको जुकाम रहता है। जी सर, और वो 99% ये बताएगी आपको कि मेरे को अब भी जुकाम है जिसमें बैठी, और महीने में बार बार मुझे जुकाम लगता रहता है बीच बीच में। हमने ज्यादातर पेशेंट से पूछा तो उसमें तो किसी एक आधी पेशेंट में हिस्ट्री मिली प्रतिक्षा की, वरना नहीं मिली। आप कसके आप कसके होता है मैम, होता है, मैंने भी 3-4 पेशेंट आए पहले, मेरे को नहीं पता था। पिंडर वालों को रोज देखता हूं और उनको सबसे यही पूछता हूं, बताओ जुकाम कब से है? बोले बीच बीच में हो जाता है, बस वहां देर ढूंढने लगती है। एक पेशेंट अक्सर मिली थी उसको करीब 8-10 साल पहले था वो हिस्ट्री, होगा वहां पर आपको हिस्ट्री मिलेगी, वो आपको अभी नहीं बता रही है, आपसे वो कहेगी, आप ये कहो ना उससे सीधे सीधे कि मैं अभी जुकाम की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले बताओ 2 महीने पहले, 1 महीने पहले जुकाम हुआ था, तब वो कहेगी हाँ जुकाम जल्दी जल्दी तो हो तो जाता है, फिर आएगी लाइन पे। मैम सीधा पूछा करो, बचपन में कब से जुकाम रहता था, ऐसे शुरू हो जाओ। कई बार पूछा मैम, सर ने जब से बताया तब से, लेकिन मुझे हिस्ट्री 1-2 के अलावा नहीं मिली। थोड़ी सी डांट के हिस्ट्री पूछा करो, हिस्ट्री ऐसे कभी नहीं मिलती मरीज से, मरीज तो कहता है जुकाम तो होता ही रहता है, इसमें क्या पूछ रही हो आप? अभी तो जैसे कि ऋतु आएगी वो सबको जुकाम हो जाता है, अभी ये बरसात ऋतु चल रही है, जुकाम होकर थोड़ा सा हल्का सा मतलब किसी को फीवर है किसी को कुछ है, लेकिन जिनको जुकाम बना रहता है, जिनको बार बार छींके आती रहती है, ये सब पूछा करो ना कि छींके कितनी आती हैं, जुकाम कितना होता है, आप कोई ठंडा पानी पीने से ऐसा कुछ होता है, नहा के निकलती हैं तो कमरे पंखा लगाता है तो आपको लगता है कि छींक आ गई, आपको लगता है कि जुकाम लग रहा है, या कोई आप ऐसी मिर्च वाली चीज खा लेती हैं तो आपको लगता है पानी निकल रहा है मेरी नाक से, ये सब चीजें हिस्ट्री पूछी जाती है। वो नहीं बता रही है या वो उसको मिस कर रही है, तब आपको ये क्वेश्चन दागना है कि नहाने के बाद जो पंखे के सामने खड़ी होती तो छींक आ जाती है, सर भारी जैसा हो जाता है क्या? अब आप सीधे सीधे कोई मरीज भाजा है, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड जो मरीज आते हैं ना, वो उनको वो मतलब कहना चाहिए उनसे घुमा फिरा के पूछा जाता है, वो जुकाम का मतलब समझते हैं अभी हुआ है, कल हुआ था, परसों हुआ था, ये पूछ रहे होंगे डॉक्टर साहब, तो वो तो हमें 5 दिन से हुआ ही नहीं है, 8-10 दिन से। इस चीज को आप ऐसे करके पूछा करें, 99% में मिलेगा, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, और आज की स्थिति में आप किसी भी नब्ज वाले मरीज जो देखते हैं ना डॉक्टर साहब, जो भी होते हैं वो डॉक्टर साहब देखते हैं कि साहब नब्ज देख के बता देते हैं, तो सबसे पहले यही पूछते हैं तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है? बोले हाँ। बोले वैजी बड़े पहुंचे हुए हैं। बोले ये बात बताओ तुम्हें लिकोरिया है? बोले हाँ वैजी लिकोरिया है। बोले वैजी तो बहुत, उसको पता है कि 99% जो औरत घूम रही है ना उनको लिकोरिया ही, ये जो आगे उन्नति करने के या जो थोड़ी सी मेहनत या करने के जो ऐसे अपने तरीके होते हैं, वो तरीके हमको पता है कि इस तरह से आप हाथ पकड़ लो और पूछ लो, आज आप हर तीसरे मरीज से पूछ लेना जलन हो रही है यहाँ पर? बोले हाँ हो रही है। बोले डॉक्टर साहब बढ़िया, हल्की सी नब्ज देखो, 5 मिनट नब्ज ऐसे करके आंख बंद करो, और बोले जी तुमको जलन हो रही है,
अब फिर वो उबलना शुरू कर देगा अपना, जलन तो होती है डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे लिए जो है वो ऐसा ऐसा भी होता है, फिर क्या करना है? फिर तो वैद्य जी ने तो बता दिया, वैद्य जी बहुत पहुंचे, ये स्थितियां हैं। तो आप उनको हरजीत जी ये सर हाँ हर चीज हर हर किसी से आप ये स्त्री जरूर लें कि श्वेत प्रदर है या नहीं, ठीक? अगर श्वेत प्रदर है, बिलाल जी का केस है, हरजीत जी ने तो जी सर ये किसका नहीं, नहीं सर मैंने बोलना सर बिलाल, बिलाल, दो बिलाल। अच्छा डॉक्टर नीडा मुझे 2 मिनट लेने दो ना पहले, मैंने रोक रखा है क्या मैंने फॉलो अप करना है केस का, बेटे का केस है, कितने दिन से तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलो आप कंफर्म बताओ आप सर करूँ मैं? हाँ हाँ और सर बेटा ऐसा है भी, वो आमबाद का केस था आपसे डिस्कस हुआ था, अब वो 95% ठीक है। अच्छा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह भी ठीक उठता है, कोई स्टिफनेस नहीं है, पेट भी अच्छा साफ होता है, भूख भी अच्छी लगती है, कोई कंप्लेंट नहीं है। आपकी पूरी कृपा हो गई है, बढ़िया। अरे मेरी कृपा बुरा कुछ नहीं है, बस ये है कि ठीक है बच्चा। हाँ नहीं नहीं बहुत अच्छा हो गया, अब बताओ आगे क्या करना है? उसको आम बतारी चल रहा है, त्रिभुवन कीर्ति चल रहा है, पंचकोल चल रहा है, अमृता गुगल, दशमूल कवास, रासना सप्त कवास, ये सब चल रहा है। अच्छा और आपने कहा सर दूध में अंडा डालकर 7 दिन देना है, वो भी उसने ले लिया, 5 दिन घृत भी उसने 7 दिन ले लिया, और आगे बताओ क्या करना है? अच्छा 7 दिन अभी कब खत्म हुआ है पंचतिक घृत? अब पंचतिक घृत खत्म हुआ जी, 7 दिन ले लिया, अभी तो पड़ा है, जब अगर दोबारा लेना तो ले लेगा। अच्छा तो अभी चल रहा है ये सावन का महीना और दूसरा है तो ये झाड़ आ गए, सावन के बाद भादो भादो पित का संचय चल रहा है सर, भादो की पंडल है। ऐसा करना, हाँ जी आज 29 तारीख हो गई, हाँ जी हाँ जी 28 हो गई आज, ठीक है 28, 7, 15, 18 उसको 7 अगस्त से जो है ग्रहण शुरू करवाना, 7 अगस्त से ओ सितंबर आ, 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 जुलाई हाँ अगस्त से है? 7 अगस्त से हाँ जी हाँ कितने दिन देने? 7 ही दिन देना, ठीक है पंचतिथि देना सर, पंच हाँ पंचतिथि ग्रह देना है, और फिर ग्रह देने के बाद फिर 7 दिन के बाद वही अंडा दूध ठीक है उसको दे देना, ये भी 7 दिन हाँ उसके बाद 7 दिन फिर ये दे देना। अच्छा अच्छा और वो खाने के लिए को थोड़ा सा वो कह रहा था भी मैं घी वगैरह खा सकता हूँ अभी, जहाँ एग वगैरह ले सकता है रोज ना, इस समय एग रोज मत देना, घी खा सकते हैं तो घी खा, अंडा और दूध क्यों दे रहे हैं सर किस लिए? हरजीत जी बताओ अंडा और दूध आपने क्या दिया था भी वो जो के उसकी ताकत के लिए जो धातु भगनी है वीक न हो जाना है उसी के लिए? हाँ पवन जी ये पूछ रहे हैं कि किसके लिए दिया है आपने, क्या केस था ये पूछ रहे हैं आप, बता दो ब्रीफ कर दो थोड़ा सा। आम बात का केस था जी, उसको 3 महीने से ना आम पाचन चल रहा है, आपने बोला था ना भी अगर ये ज्यादा दांत वगनी का पाचन ना हो जाए तो थोड़ा सा ये भी देना है पहले। जी जी हाँ आम पाचन की ओवर एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल करने के लिए के बारे में बोले। चलो ठीक है हो गया हर चीज आपका हो गया? नहीं नहीं बाकी ट्रीटमेंट सेम कंटिन्यू करना है। हाँ बाकी चीज सेम बिल्कुल इतना। अभी कितनी देर? अभी चलने दो प्रसाद गुजरने दो, अग्नि मंद है, जब प्रबल होगी तब देखेंगे। देखो अब मैंने क्या कर रहा है, मैं सिस्टम से तहत चलता हूँ कि इस समय अग्नि मंद है तो मुझे अग्नि मंद के हिसाब से कार्य करना है, शरीर में कोई विकृति भी ना हो, दोष साम अवस्था की तरफ जाए, ज्यादा अगर मरीज को खींचम खाच करोगे तो नुकसान होगा, खींचम खाच करूंगा मैं, शरद ऋतु आ जाएगी तब, ठीक है तब वहां पर जो है फिर एक बार मुझे, क्योंकि वो स्वतः ही शरद ऋतु ऐसी होती है जो बल प्रदान करती है, उस समय मुझे बल को कम करने की औषधि देनी पड़ेगी, इस समय आप उल्टी औषधि दे दोगे
तो और ज्यादा तेज करके अग्नि बढ़ेगी और उस समय आम का पाच आम का संचय भी बहुत बढ़िया तरह से होता है और फिर पाचन कठिन हो जाता है। इसलिए जो है खींचम तान जितनी भी करेंगे शरद ऋतु आने दो, भादो निकलने दो, कुआर में लिखेंगे। ठीक है, अरेट तेल का आधा चम्मच ही ले रहा है, आधा चम्मच ले ले, दो मोशन आते हैं रोज उसको, चौथाई चम्मच कर। ठीक है, तो बाकी जो आम बता रही है मुझे पंचकोल सभी चलेगा? हाँ वो चलने दो, आम बता रही में भी अरेट तेल है ना। हाँ अमृत गोगल भी ले रहा है वो, ठीक है कोई कोई दिक्कत नहीं, वो ले लें। दशमूल कवाथ वगैरह सब कुछ ऐसे लेता रहे, वायु सामक द्रव तो चलने चलने हैं। चलो एक महीने के बाद फिर रिव्यू करें। हाँ एक महीने के बाद रिव्यू कर देना। त्रिभुवन कीर्ति भी चले सर, एक मिनट, पितर रोग में प्रतिष्ठा की चिकित्सा करनी चाहिए क्या? हाँ पितर रोग में प्रतिष्ठा की चिकित्सा करें तो आप उसमें लिखें। जी सर क्या लिखना है? देखो ताली शादी चूर्ण जी, गोदंती टंकड़, सतगिलोय, स्वर्ण बसंत मालती जी सर, ये ठीक हो गया जी। ठीक, बासा अवले, जी सर, और आरग्ध महातिक्तम कषायम जी सर, बस ले लो। अब इसमें कोई ही प्रदर की दवाई नहीं जी। कितनी दवाई तो है सर, ये कितनी कितनी क्वांटिटी देना चाहिए सर डोज? अब इसको जो योग पूरा बताया है, गोलंटी टंकण सीतोपिलादी सत्य किलो, इसको पूरे को मिला दो जी सर। हाँ और इसमें एक दवाई और रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो लक्ष्मी विलास रस जी सर। इसमें एक एक गोली दे देना और ये पूरा योग बना देना जी सर। योग बना के आधा चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से खा लें। लक्ष्मी विलास रस एक गोली सुबह शाम दे दें। ओके सर। स्वर्ण बसंत मालती अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो एक एक गोली सुबह शाम कर देना, वरना एक गोली दे देना, कहना भाई एक गोली रोज खाओ इसमें से। ओके ओके। और क्या था? आरग्ध महातिक्तम का सर। जी सर। दो गोली सुबह दो गोली शाम। सर ये कितने अमाउंट में लेना है? ताली आदि चूरण गोदंती टंकड़ ये आधा चम्मच सुबह शाम ले लेना, पूरा मिला देना। थैंक यू सर। हर किसी में आपको ये एक फार्मूला नहीं है, हर किसी में आपको जो है संप्राप्ति अलग मिलेगी, उसमें ढूंढते हैं कि पिटासा के साथ साथ कहीं इसको अम्लपित्त तो नहीं है, तभी ये चेंज हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, फिर इसमें कोई एक मतलब कहना चाहिए अम्ल सामक औषधि जैसे कपर्तक भस्म है वो मिला देते हैं, वो डालनी पड़ती है, या फिर पेशेंट को अगर अफोर्ड कर सकता है तो सीधे उसको पित्तशेखर रस देते हैं, वो है। हालांकि महातिक्तम कषायम मैंने इसमें दे दिया है, लेकिन फिर उसमें जब पूरी मिल जाती है, आपने नहीं बताया या आपको नहीं पता होगा इसलिए मैंने उसको लगा दिया, पेशेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, भले स्त्री ली हो या ना ली हो, लेकिन लगा के चलो। एक बार पूछ लिए, तीन चीजें पूछनी है, आपको जुकाम तो नहीं होता है या आपको अम्ल थोड़ा सा अपनी बेटी के बारे में फॉलो अप में पूछना था, टाइम हो गया। हाँ हाँ एक चीज सब लोग है मैं बोल देता हूँ, कल हमारे बेटे जी का जन्मदिन है तो हम तो मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो बोले कि चलो ऐसा होना चाहिए, तो मैंने कहा होना चाहिए तो ठीक है, फिर तो ढंग से ही कर लो फिर, थोड़ा सा तो उसमें थोड़ा खान पान की व्यवस्था रखी कॉलोनी वालों को, तो कल जो है तैयार होना संभव हो सर। आवाज नहीं आ रही सर, छुट्टी कर लो।
कल की छुट्टी आएगी हाँ सर हम आते हम रुद्रपुर आते हैं ना सर फिर आता हूँ तभी कह रहा हूँ सब लोगों को मेरी विनती अगर वो आ जाए रुद्रपुर कल जो है ये बेटे का सेलिब्रेशन है थोड़ा सा बस ये तो मैंने कहा चलो कर देता हूँ नहीं नहीं कर करना चाहिए जी सर छुट्टी सर जब आप खान पान की बात कर रहे थे व्यवस्था है तब आपकी बात थोड़ी सी साइलेंट दे रही थी इसका क्या मतलब है है जब आप खान पान की बात कर रहे थे तब आपकी बात खान पान कब अभी आवाज कट रही है लोग सर आपकी डॉक्टर डॉक्टर हरिओम जी सर रुद्रपुर रुद्रपुर जी जी कहाँ लगता है बताओ डॉक्टर प्रणाम साउथ साइड में हेलो साउथ साइड में साउथ में तुमसे कैसे बात हो रही कॉल पर कॉन्फ्रेंस सर बात करें टाइम हो गया मीट कॉन्फ्रेंस चल रही है सारे डॉक्टर हैं इसमें चौथी डॉक्टर हैं कॉलेज वाला करा रहा है क्या बिलाल सर अपना माइक बंद करिए बिलाल सर सर प्रणाम 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 ठीक है सर वो बेटी का एक मिनट मैम एक मिनट हाँ बोलो 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 मैम वो बेटी का आईएस का चल रहा था ना उसका थोड़ा फॉलो अप लेना था सर से आगे का पूछना था हाँ बताओ सर उसको वो आंखों में था ना मायोपिक है और उसकी जो कॉर्निया है कॉर्निया में थोड़ा सा डिजेनरेटिव चेंजेस है मतलब सेपरेट हो रही थी वो रेटिना रेटिना मैम रेटिना वॉल जो है ना वॉल से सेपरेट हो रही है हल्की सी थोड़ा सा उसमें चेंजेस थे ऑप्टिक नर्व के डिजेनरेटिव चेंजेस तो सर ने जो ट्रीटमेंट दिया था उसका करीब एक डेढ़ महीना हो गया खाते हुए तो आगे पूछना था अब उसको परेशानी हो रही है या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ ये बताओ सर ये पहले उसको जो दर्द होता था ना हेडेक सा भारीपन लगता था वो अब उसमें आराम है यानी सर में दर्द नहीं होता भारीपन नहीं लगता जैसे अब जैसे इस समय एग्जाम्स चल रहे हैं तो ज्यादा पढ़ाई और ज्यादा जगना पड़ता है तब बता रही थी कि स्ट्रेन पड़ता है जैसे पढ़ने में लेकिन कभी कभी दर्द होता है लेकिन अभी समय हेडेक तो नहीं हो रहा है उसे ठीक है हेडेक नहीं हो रहा यस सर ठीक तो उसको जो है ये जो जितनी भी मेडिसिन है उसमें कोई घी लिखा है मैंने जी जीवंत आदि ग्रंथ दिया था आपने बस तब ठीक है कोई दिक्कत नहीं फिर उसको जो घी लिखा है ना वो घी कंटिन्यू वो दवाई ही कंटिन्यू करो पूरी बसंत कुसुमाकर रस शतावरी कल्प सप्तामृत लो और द्राक्षस और जीवंत आदि ग्रंथ और जीवंत आदि ग्रंथ लगाने के लिए भी था डालने के लिए भी और खाने के लिए भी था अच्छा ऐसा करो एक दवाई बढ़ा दो इसमें अमृता गुग्गुल क्या करेगा पता है नहीं पता नहीं पता जो सेपरेशन हो रहा है ना उसका जी उसमें मैं अब देखो कोई चीज है ना अब मैं बोल रहा हूँ ना तो आपको बस ये करो कि ये जो बोला जा रहा है ये 18 सितंबर का बोला जा रहा है उसमें विभाग करना है मेरे लिए सर सेपरेशन में विभाग करना संयोग करना है विभाग करोगे संयोग करोगे नहीं विभाग होगा तभी तो संयोग होगा तो विभाग तो पहले ही है तो विभाग पहले ही है हाँ उसे हाँ। विभाग पहले ही है जितनी भी ये दवाइयां ये चल रही है ना ये दवाइयां सब संयोग की हैं अब उसमें कहीं ना कहीं ऐसा रह गया होगा जो विभाग होने से रह गया होगा अगर मैं उसको वहीं पर ऐसा कर दूंगा ना इस समय तो वो संयोग तो पूरा हो जाएगा लेकिन उसमें विभाग होने से जो दोष होगा वो उसके अंदर रह जाएगा अब फिर उसको अगर मैं ये दे देता हूँ अमृता गुग्गुल तो ये विभाग कर देगा उसका और फिर पूरी तरह से सेपरेशन होगा उसका उसका जो संयोग होगा वो पूरी तरह से संयोग हो जाएगा अर्थात दोबारा से रोग होने की उत्पत्ति खत्म हो जाएगी बहुत उसको सर ये बताया गया था कि ये जो तुम्हारा नंबर उसी लिए उसका नंबर भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है और मायोपिया क्योंकि नंबर उसका ज्यादा है इसलिए ये बताया था कि हो रहा है ठीक हो जाएगा चिंता ना सर अमृता गूगल एक गोली सुबह शाम दो गोली और संडे को क्लास होगा ठीक है
ठीक है सर, अब देर हो गई है सर, इन एडवांस हैप्पी बर्थडे टू आयुष और घर में खूब सुख समृद्धि हो, गुड नाइट सर, खूब एंजॉय करो कल, गुड नाइट सर, गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट सर।